हेलो 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है बच्चों तो so, बताइए क्या हाल चाल है ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो दोस्तों मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को यस yes, बताओ प्लीज चलिए 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी गुड वेरी गुड तो दोस्तों आई होप आप बहुत अच्छे होगे ऐसे ही अच्छे और तंदुरुस्त सहीगा और मैं भी बहुत अच्छा हो तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ, एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी होगा, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करने हैं तो इस बार टैक्सेशन में बोलिए मेरे साथ 80 बार उसके नीचे आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे चलो आ, मैं पहले पांच मिनट कुछ स्टूडेंट्स के जुनून क्वेश्चन है कल के भी वीडियो में था और पहले वाले वीडियो में भी था सबसे पहले पांच मिनट उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और फिर हमारा हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं सभी को आ, कुछ स्टूडेंट ने कल का सेशन देखा होगा या कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन देख रहे होंगे ये 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 लेक्चर देख रहे होंगे कि कुछ स्टूडेंट ने कल का लेक्चर भी देखा होगा तो सबसे पहले आपका ये सवाल होगा सर ये जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच है ओके okay, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच क्या यहाँ पे रिविजन या फास्ट ट्रैक है नहीं बेटा ये जो एग्ज़ाम ओरिएटेड बैच है ये फुल यहाँ पे हंड्रेड कवरेज सिलेबस के साथ डिस्कशन है तो ये जो है ये बैच पेड बैच है और हम जीएसटी से बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूरा हमारा डिस्कशन करेंगे क्लियर तो यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड बैच ये कंप्लीटली 100 परसेंट कवरेज बैच है जो रेगुलर जैसा ही है पर एग्ज़ाम के हिसाब से डिज़ाइन किया है जो भी स्टूडेंट का टारगेट यहाँ 40 प्लस होगा यस वो ये बैच बिल्कुल सोच सकता है क्योंकि ये बैच डिज़ाइन ही वैसे हुआ है नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आ, या, या कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे जैसे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा जीएसटी में ट्वेंटी परसेंट हुआ है या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है फिफ्टी परसेंट से कम कॉन्फिडेंस है तो ये जो बैच है एग्जाम ओरिएंटेड उनको बहुत हेल्प करेगा कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि सर ये बताइए कि आपका जो फास्ट ट्रैक बैच आएगा जिसे हम रैपिड रिविजन बैच कहते ये कब आएगा जो रिवीजन बैच होता है तो दोस्तों वो बैच यूट्यूब पे फ्री होता है और हमारी फास्ट ट्रैक रिवीजन बैचेस जो स्टार्ट होने वाली जिसे हम आरआर रिवीजन कहते हैं एंड दैट आरआर रिवीजन 4.0 ये अप्रोक्सीमेटली 15 फेब से स्टार्ट होगी जिसमें यहाँ पे ये जो आरआर रिवीजन बैच है अकाउंट्स लॉ और कुछ सब्जेक्ट्स की यहाँ पे फिफ्टींथ ऑफ फिफ के आसपास स्टार्ट हो जाएगी और हमारा जी का जो रिविजन रहेगा फास्ट ट्रैक रिविजन बैच जिसको हम कहेंगे वो ट्वेंटी फिफ्थ से आसपास स्टार्ट होगा तो यस अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा, रहा रिविजन बैच का वेट कर रहे हो तो अब आपका वेट खत्म हो गया है और कि कुछ सब्जेक्ट अभी फिफ्टी ऑफ फिफ्थ से स्टार्ट होने वाले है और उसके बाद में ट्वेंटी फिफ्थ के बाद हमारा चालू और रिवाइज होगा जीएसटी तो आप ओके जस्ट रिवीजन करना चाहते हो तो ये यूट्यूब पे आ जाएगा स्टेट विथ अवर यूट्यूब चैनल वी स्मार्ट एकेडमी दोस्तों आपको और ये बता दूं कि यस yes, कुछ स्टूडेंट्स जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं कि सर आपका जो अमेंडमेंट बैच है और आपका जो ये जो तीन टॉपिक नए ऐड किए ये हमें कब से अवेलेबल हो गए तो ये आपको जो अवेलेबल हो गए वो ट्वेंटी फेब के बाद अवेलेबल हो गए तो अमेंडमेंट्स और वो तीन टॉपिक 20th के बाद अवेलेबल हो गया और उसके बाद हमारा आर आर रिविजन बैच स्टार्ट होगा ये अमेंडमेंट्स आपको पहले कर लेना है और उसके बाद आर आर रिविजन बैच स्टार्ट होगा नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है ये फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उनको भी अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि ये बैच का डिज़ाइन ही मैंने इस तरह से किया है कि अगर आप टारगेट ओरिएंटेड चलना चाहते हो और जीएसटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो क्योंकि टैक्सेशन में स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं और अभी क्या हो गया जीएसटी 50 मार्क्स का हो चुका है इसलिए आपका जो स्किल नॉलेज है थोड़ा अब जीएसटी में बेटर पूछा जाएगा रैदर देन पहले 40 मार्क्स का था और उसको थोड़ा सेकेंडरी समझा जाता था, था लेकिन अब जीएसटी सेकेंडरी नहीं रहेगा आपका स्किल नॉलेज इंस्टीट्यूट आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगी बे बेटर एक्सपेक्ट करेगी इसलिए आप इसको हल्के में नहीं ले सकते इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम और बैच जो फिर से कह दू पेड़ बैच है वो हमने यहाँ पे ओके अनाउंस किया है जो आपको हमारे वी स्मार्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा या uh, yeah, हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर्स के इसमें मिल जाएगा जिसमें कंप्लीटली अपडेटेड मटेरियल आएगा जो मेरा फिर से बता दूँ जी एस टी कॉम्पैक्ट बुक ये अभी न्यूली डिज़ाइन मटेरियल है और जो भी स्टूडेंट्स को मिला हो गया ओके okay, उन्होंने देखा होगा ये मटेरियल बहुत अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया होगा आपको क्वेश्चन यान मिलेगा ओके okay, आपको चार्ट बुक मिलेगी ओके okay, ये चार्ट बुक रहेगी तो ये जो है न्यूली अपडेटेड मटेरियल अमेंडेड होगा अगर आप ये बैच कर रहे हो तो आपको अमेंडमेंट अलग से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई भी मटेरियल अलग से लेने की जरूरत नहीं इसमें पूरा मटेरियल मैं दे रहा हूँ उसके बाद में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स ये कि सर आ, हमें लॉगिन कैसे करना है तो मैं आपको फिर से बता दूं ओके आपको एक्टिवेशन और लॉगिन कैसे करना है अच्छा अच्छा सॉरी 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 ऐप पे भी ले लेता हूँ मैंने ऐप का बटन भूल गया ऐप का बटन भूल गया ऐप पे अब स्टार्ट हो जाएगा सॉरी मेरे से गड़बड़ हो गई आ, मेरे मुझे लगा कि वो ऐप पे आ जाएगा बेटा अभी ऐप पे आ जाएगा ओके तो यहाँ पे ऐप पे आ गया होगा अभी एक बार चेक कर लेना तो आपका ऐप पे भी ये लेक्चर अगर बेटा मुझे प्लीज बताओ ऐप पे आ गया होगा तो बताइए प्लीज ऐप पे आ गया होगा तो प्लीज बताइए ऐप पे आ गया होगा तो प्लीज बताइए हाँ तो आज आपका ऐप पे आ गया होगा और कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक्टिवेशन करना है सुनिए कुछ स्टूडेंट्स को एक्टिवेशन करना है तो यहाँ पे वो एक्टिवेशन कैसे करेंगे तो आप वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम पर जाइए और आपने अगर कोर्स वी स्मार्ट अकेडमी ओके वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम से अगर आपने कोर्स बाय किया होगा तो वी स्मार्ट एकेडमी पे आपका लॉगिन ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो उसमें आपको आपके लॉगिन में एक्टिवेशन की एक्टिवेशन सॉफ्टवेयर प्रोसीजर ओके सब उसमें मिल जाएगा तो वहाँ से आप ओके किस क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है वो ट्यूटोरियल भी उसमें मिल जाएगा उसमें आपको मटेरियल ओके स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा एक टैब उसमें अगर लिंक करोगे तो पहले कुछ चैप्टर का पीडीएफ मैंने उसमें अपलोड किया है वो डाउनलोड करके रख लेना अगर आपको नोट्स नहीं मिला होगा तो ओके okay, आपको एक दो दिन में नोट्स मिल जाएगा दूसरी बात प्लीज प्लीज, प्लीज स्पैम मत करो पहले मेरा ओके okay, एक्सप्लेनेशन सुन लो ना फिर मैं आपके क्वेश्चन देखता हूं प्लीज मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लो और उसके बाद में यहां पे तो यस uh, yes, उसके बाद में मैं आपको ये बता दूं कि आ, आ, उसमें की एक्टिवेशन भी की है आपको जनरेट की का टैब जनरेट करना है और आपको लाइव स्ट्रीमिंग की एज वेल एज आपको जो है यहाँ पे बाद में जो बैकअप दिया जाएगा आपको पूरा हंड्रेड परसेंट बैकअप और हंड्रेड परसेंट बैकअप का भी की आपको दिया जाएगा तो आप बाद में एक्टिवेट कर सकते हो आज पूरा एक्टिवेट करके देखो अगर क्योंकि कल का लेक्चर भी मैं यूट्यूब पे लेने वाला हूं तो आज एक्टिवेट करके देखो अगर ऐप में सही ढंग से चल रहा होगा तो दोस्तों अच्छी बात है नहीं होगा तो कल के यूट्यूब पे वीडियो में मैं आपको फॉर्म प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में तो वो डिस्क्रिप्शन में कल अगर किसी को टेक्निकल इशू जा रहा है तो वो फॉर्म फिलअप करना ओके विद इन ट्वेंटी आवर्स मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और आपका जो भी इश्यू है वो सॉल्व कर देगी ठीक है ओके उसके बाद में यहां पे Uh, कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक नोट not, नोट्स नहीं पहुंची होगी तो बस यहाँ पे यही कहूंगा कि पैनिक uh, मत हो जाना ओके एंड डोंट वरी नोट्स आपको मिल जाएगी आने वाले एक दो दिन में थोड़ा पेशेंस रखो नोट्स मिल जाएगी Uh, तब तक मैंने आपको जो सपोर्ट दिया आपके लॉगिन में ओके वी स्मार्ट एकेडमी के लॉगिन में पीडीएफ आपको दी है अगर आपने वी स्मार्ट एकेडमी लॉग इन वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम से परचेस नहीं किया होगा और अदर हमारे एसोसिएटेड चैनल से परचेस किया होगा तो आप वी स्मार्ट अकेडेमी डॉट कॉम पर जाओगे अपना लॉगिन क्रिएट करोगे अब सवाल ये है कि आप अपना लॉगिन कैसे क्रिएट करोगे तो आप जो है यहाँ पर लॉगिन में जाओगे और लॉग इन में जो है सॉरी पहले तो आप वेबसाइट पे जाओगे डब्ल्यू 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 डॉट वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम वहाँ लॉगिन में जाओगे और परचेज़ करते वक्त जो आपने ईमेल आईडी डाला था दोस्तों वो ईमेल आईडी आप डालोगे और उसके बाद में आप रिसेट पासवर्ड करोगे जैसे आप रिसेट पासवर्ड करोगे आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा पर ख्याल रहे ईमेल आईडी वही डालना जो आपने परचेस करते वक्त डाला था अगर आपने कोई अदर हमारे एसोसिएटेड चैनल पार्टनर से परचेस किया होगा और उस लॉगिन में आपको आपका सारा डाटा मिल जाएगा अब उसी लॉगिन में ज्वाइंट स्टडी ग्रुप करके आपको एक टैब मिलता है जिसमें टेलीग्राम लिंक दी गई है तो ये टेलीग्राम लिंक आपको मस्ट 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 ज्वाइन करना है ठीक है तो ये टेलीग्राम क्योंकि हमारा और आपका और हमारा कम्युनिकेशन उसी टेलीग्राम लिंक से होगा उसी टेलीग्राम लिंक से होगा अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को प्लीज समझिएगा कुछ स्टूडेंट्स ने परचेस किया होगा लेकिन शायद बुक्स या कोई उनके इश्यूज हो गए तो मैं इतना कहूँगा कि ये क्लास के एन में आप अपना ऑर्डर आईडी मेरी टीम आपसे कनेक्टेड रहेगी आप अपना ऑर्डर आईडी और प्रिफरेबल टाइम आई रिपीट ऑर्डर आईडी और प्रीफरेबल टाइम आज डाल दीजिएगा मेरी टीम आज रात को या कल ओके okay, मॉर्निंग में ऑन प्रायोरिटी आपसे कनेक्ट होगी इसीलिए ओके okay, अभी कोई स्पैम मत करो कोई भी आपको इश्यूज हो गए तो आपका ऑर्डर आईडी रेडी रखना ओके okay, साथ साथ में आपका जो है प्रिफरेबल टाइम जो टाइम में आपको कॉल चाहिए ये लास्ट के दस मिनट में आपको टाइम दूंगा तो आप कमेंट कॉलम में डाल दीजिएगा इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चन हो गए तो आप जो है इस सेशन के एंड में या कमेंट्स में डाल दो कमेंट्स में रीड कर लूंगा और कल जब सेशन लूंगा तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ठीक है गूगल ड्राइव लिंक नहीं है बेटा आपके में, आपके लॉगिन लॉगिन में में सुनिए यहाँ पे आपके लॉगिन में जो है आ, मैंने मटेरियल दे दिया है आपको आपके लॉगिन में मटेरियल मिल गया होगा पीडीएफ दी हुई है आपको मिल जाएगी उसके अंदर उसके बाद भी नहीं मिलती है तो यहाँ पे हमारे सेशन होने के बाद मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ओके दे दूँगा पहले आप लॉग तो एक्सेस करो आपका मिल जाएगा आपको मटेरियल और ये बता दूँ ये फ... फिर से लास्ट में बता दूँ ये फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं है मेरा फास्ट ट्रैक आर आर रिविजन बैच वो ट्वेंटी फिफ्थ के बाद चालू होगा जिसमें बेस्ड रिविज़न होगी ये रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जीएसटी से फिर से अच्छे से कनेक्ट होना चाहते हैं और इस बार सिलेबस का चेंज को ध्यान में रखते हुए और इस बार नो no डाउट अच्छा स्किल आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा स्किल लेवल नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा तो वो अच्छा स्कोर करना चाहते इसलिए ये पेड बैच है जो एग्जाम ओरिएंटेड फुल रेगुलर बैच है ओके एग्जाम ओरिएंटेड ओके okay, जिसमें हमारा पूरा टारगेट जो है ओके okay, यहाँ पे ये रहेगा ये बैच का कि हम एग्ज़ाम में जीएसटी में अच्छे से अच्छा कैसे स्कोर कर सकें ठीक है बाकी आपको अगर रिवीजन बैच चाहिए जो फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच होगी वो ट्वेंटी फिफ्थ फेब के बाद यूट्यूब पे आएगी इसके पहले तीन लेक्चर ही डेमो रहेगा जो कल का लेक्चर डेमो रहेगा और उसके बाद में हमारे ऐप पे लाइव सेशन रहेगा हाँ अभी इतना यहाँ पे इतना थोड़ा समझना कि ऐप पे मैं अभी आ, मैंने ऐप तो स्टार्ट कर दिया पर मुझे थोड़ा एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है मैं ऐप पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ इसलिए ओके आपके ऐप आप पे चल रहा होगा तो ठीक है पर आपको कोई डाउट पूछना होगा तो वो आप यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाना ओके क्योंकि मेरे आई पे ऐप कनेक्ट होने में थोड़ी दिक्कत जा रही है ओके तो आप यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाना और आपके क्वेश्चन पूछ लेना ठीक है पर आज ऐप पे चलने दो सो so दैट आप ऐप से यूज टू हो जाओगे चलिए, हाँ, अगर कोई student CS कर रहा है, तो बिल्कुल उसके लिए भी बैच बहुत beneficial है, okay, सारा सिलेबस उनका जो है, मैं सीए okay, और सीएस का सिलेबस सेम है सीएमए स्टूडेंट का सिलेबस सेम है तो आप सीए कर रहे हो सीएमए कर, कर रहे हो या सीएस कर रहे हो सबके लिए बैच बेनिफिशियल रहेगा ठीक है तो चलिए बस अभी इतना ही इसके आगे कोई टेक्निकल या अदर डाउट्स नहीं सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट ही मैं एंटरटेन करूंगा और अभी हम हमारा सेशन चालू करते हैं एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे गए okay, ओके तो यहाँ पे जो वेट कर रहे हैं लेक्चर स्टार्ट होने का तो फॉर योर कोऑपरेशन जो न्यू टॉपिक्स रहेगा बेटा वो मैं फिर से कह देता हूँ अमेंडमेंट के साथ जब मैं अमेंडमेंट्स अपडेट करूंगा तो नए टॉपिक जो है यूट्यूब पे डाल दूंगा ओके okay, तो अमेंडमेंट के साथ आपको नए टॉपिक भी मिल जाएंगे ओके okay, तो वो अमेंडमेंट का ही पार्ट्स रहेंगे जो तो दो तीन टॉपिक है अमेंडमेंट्स के साथ आपको मिल जाएंगे डन ठीक है अमेंडमेंट्स में आपको अमेंडमेंट्स प्लस तीन टॉपिक दोनों भी मिल जाएंगे जो यूट्यूब पे ट्वेंटी के बाद आएंगे आई रिपीट ट्वेंटी फेब के बाद आएंगे चलो अब स्टार्ट करते हैं हाँ जो सी एम ए स्टूडेंट है तो उनको कस्टम्स के टॉपिक कैसे मिलेंगे तो मैं ये हमारे जी एस टी का जो लास्ट लेक्चर रहेगा ओके okay, उसमें बता दूंगा और सी एम ए के ग्रुप में भी वो मैं ओके okay, यहाँ पे बता दूंगा ठीक है उसके बारे में मैं आखिरी में वो कैसे मिलेंगे तो आपको बुक और लेक्चर्स आपके ऐप आप में अपडेट हो जाएंगे और बुक भी आपको डिस्पैच कर दी जाएगी ठीक है हाँ बेटा वो तो फ्री रहता है ना अब मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ अमेंडमेंट्स और एक तीन एक्स्ट्रा चैप्टर्स वो अमेंडमेंट का ही पार्ट रहेगा और वो सारे स्टूडेंट को ट्वेंटी टू जीरो के फेब के बाद सबको वो एज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट सबको यूट्यूब पे मिल जाएगा ठीक है चलो अब 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 बस अब यहाँ रुकते हैं और हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए टेलीग्राम लिंक हाँ एक बात बता दूँ टेलीग्राम लिंक आप ओके okay, अगर पीसी से कनेक्ट कर रहे हो तो दिक्कत जाएगी मोबाइल से कनेक्ट करो मोबाइल से कनेक्ट करने से ओके okay, हो जाएगा और किसी को भी कुछ दिक्कत जा रही होगी तो आपका ऑर्डर आईडी ये क्लास के एंड में लास्ट टाइम कह देता हूँ टेलीग्राम लिंक में जो भी जिसमें भी दिक्कत जा रही होगी ये क्लास के एंड में आपका ऑर्डर आई और आपका प्रिफरेबल टाइम वो हमें बता दीजिएगा मेरी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी डन बेटा क्वेश्चन है बुक एमसीक्यू एमसीक्यू आपके लॉगिन में दे दिए जाएंगे so, दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड डिस्कशन तो ये हमारा लेक्चर जीरो वन का पार्ट बी है ओके okay, कल हमने पार्ट वन देखा ये लेक्चर जीरो वन का पार्ट बी है तो आर यू रेडी ये और नो बोलिए ये सर वी आर रेडी तो चलिए ओके वी आर रेडी ये वही ना बात चलिए तो हम आते हैं यहां पे हमने आपने मैंने एक होमवर्क दिया था कल के सेशन में और कल के सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको लिख के देखना है ये थे क्वेश्चन लिख के देखा कि नहीं देखा अगर नहीं करोगे तो ये इसका बैच का फायदा नहीं होगा और मेरी बेस्ट विशेष 40 प्लस नहीं मिलेगी ओके okay, मैं आपको मेरी बेस्ट विशेष चाहिए फोर्टी प्लस ये तो आपको जो मैं कहता हूँ वो आपको करके देखना पड़ेगा ओके okay, चलो ये बताओ किसने किसने लिख के देखा है ओके okay, ये मैंने जो आपको होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सेस किसने किसने लेकर देखा है राइटिंग 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 प्रैक्टिस भाई साहब ये बैच अगर मेरे साथ लगा रहे हो तो दस बार बोलो राइटिंग 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 उससे आपको नीचे कुछ भी सोचना नहीं है तो चलिए कब से रेडी बैठे थैंक यू बेटा थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन लिख के देखा वेरी गुड जिसने नहीं लिखा होगा देखो भाई मेरी बेस्ट विशेष चाहिए ना टैक्स में अच्छे मार्क्स चाहिए ना तो फिर मैं जो बोलूँ वो करना पड़ेगा वेरी गुड वेरी गुड चलो फिर हमने देखा कि ओके okay, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है दोनों का ऑब्जेक्ट अलग है डायरेक्ट टैक्स तिजोरी टैक्स है इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं आपने सैलरी से कमाया आपने बिजनेस से कमाया आपने कैपिटल गेन से कमाया किसी से भी कमाया तो भी तिजोरी में पैसा आया वो टैक्स लगेगा इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट टैक्स बिजनेस टैक्स है कमोडिटी और गुड्स पर लगता है ओके okay, तो ऐसे केस में दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है इसका ऑब्जेक्ट अलग है इसका ऑब्जेक्ट अलग है ओके okay, चलिए इसलिए कभी भी अब मेरे पास ये क्वेश्चन मतलब ना सर डायरेक्ट टैक्स में तो हमने ऐसा पढ़ा इनडायरेक्ट टैक्स में हम ऐसा बढ़ रहे हैं भाई साहब अपने आप को बोलना दस बार बोलना इसमें तो कोई कनेक्शन नहीं है फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखी थी जिसमें आर्टिकल 265, 245, 246 देखा था ओके okay, नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये यह समझने की कोशिश की कि जब जीएसटी आया तो कितने टैक्सेस मर्ज हुए ये आपके लिए आज का होमवर्क ओके ये आज का होमवर्क okay, आपको ये लिस्ट लिख के देखना है लिख कर देखना है ओके okay, दोस्तों बिल्कुल इग्नोर मत करना अगर अब थोड़ी सीरियस हो जाना ओके okay, आपका अटेम्प्ट आने वाला है और आपने ये स्पेशली बैच लगाया है तो ये लिख के देखना कि कौन कौन से टैक्सेस सेंट्रल के और स्टेट के ओके okay, ये लर्न करना पड़ेगा और ये लिख कर देख लेना कि कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए हैं साथ साथ में ये भी लिख कर देख लेना कि कौन कौन से टैक्सेस मर्ज नहीं हुए यानी वो आज भी लगते हैं जीएसटी आने के बाद ओके okay, तो ये था और जीएसटी जो आया तो कल हमने ये पॉइंट्स लिख के देखे जीएसटी ड्यूल

बेटा सी ए फाइनल के लिए तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है जाओ वेबसाइट पे मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड ओके एग्जाम ओरिएंटेड बैच सी ए फाइनल का रिकॉर्ड करके रखा हुआ है ओके okay, ये इंटर का चल रहा है अब आते हैं आई जी एस टी यूनिक फीचर इन इंडियन जीएसटी मॉडल ओके थोड़ा इस पर डिस्कशन करते हैं ओके okay, तो चलिए अब नो डाउट जो चार्ट्स में रेफर करूंगा और जो आपको ड्रॉ करना है तो अभी जो रेगुलर बैच हुई है उसमें से ही चार्ट बिल्कुल हम पूरा कंटेंट रेगुलर बैच के हिसाब से ही देखने वाले हैं बस इतना ही है कि ये एग्जाम के हिसाब से टारगेट बेस्ड बैच होगी तो चलो दो मिनट में थोड़ा आपको ये समझा देता हूँ यहाँ पे सो दोस्तों आ, अगर हम देखें भाई ये रेगुलर बैच का बुक है अगर आ, आपको यहाँ पे बता दू हम आ गए थे दो मिनट जस्ट मिनट हाँ बेटा जस्ट मिनट ये डायग्राम है थोड़ा ये डायग्राम को समझो और फिर ओके okay, ये डायग्राम को यहां है ओके जीएसटी जो, okay, जो यूनिक फीचर है जीएसटी का यहां पे अब देखो अगर सप्लायर महाराष्ट्र का है सुनिए सभी सप्लायर महाराष्ट्र का है और बायर जो है वो यहां पे गुजरात का है तो ये हुआ महाराष्ट्र ये हुआ गुजरात चलो मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप भी लिखते जाओ और मेरे साथ कंप्लीट करते जाओ ओके okay, तो दो स्टेट बना लो महाराष्ट्र और गुजरात ओके okay, और जो आपने यहाँ पे चार्ट के लिए डायरी बनाई है ओके okay, तो यहाँ टाइटल दो चलो मेरे साथ फटाफट ओके okay, टाइटल दो रेवेन्यू शेयरिंग ऑफ आईजीएसटी डन रेवेन्यू शेयरिंग ऑफ आईजीएसटी लिखा आप सभी ने हाँ बेटा ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच का सिलेबस टू एट ट्वेंटी तक खत्म हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी एट तक खत्म हो जाएगा आपने लिखा रेवेन्यू शेयरिंग ऑफ आई जी फास्ट लिखना मैं नहीं रुकूंगा ओके okay, फास्ट uh, लिखना उसके बाद में जहां तक देखा जाए यहां पे सप्लायर सप्लायर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लिखो फटाफट निकालो दो स्टेट बनाओ महाराष्ट्र एंड गुजरात दो स्टेट बनाओ इधर महाराष्ट्र एंड गुजरात ओके सप्लायर चलो यहां पे लिखो सप्लायर सप्लायर जो है यहां यस सप्लायर मे बी एम मतलब मैन्युफैक्चरर टी मतलब ट्रेडर सप्लायर मैन्युफैक्चर हो सकता है या ट्रेडर हो सकता है फास्ट सप्लायर मैन्युफैक्चर हो सकता है या ट्रेडर हो सकता है और इधर लिखो गुजरात में बायर ओके okay. अब बायर में यहाँ पे सेल बताओ चलो सेल बताओ ये सेल को लिखो इंटरस्टेट सप्लाय ये सेल को लिखो इंटरस्टेट सप्लाय अब इन्वाइस बनाओ और वो इनवाइस वैल्यू वन लैख डन वैल्यू वन लैख और वैल्यू वन लैख जिसके ऊपर अब ये इंटरस्टेट होने की वजह से कौन दो, दो टैक्स लगेगा या एक ही टैक्स लगेगा एक ही टैक्स लगेगा और वो रहेगा आईजीएसटी फास्ट ओके लिखो वहां पे आई जी एस टी आई जी एस टी एट द रेट एटीन परसेंट तो भाई एटीन परसेंट के हिसाब से कितना हुआ एटीन थाउजेंड हुआ तो आई जी एस टी एटीन थाउजेंड आपको लगेगा लेकिन हमने इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर क्या देखा इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर यहाँ पे ये यह देखा कि गवर्नमेंट को कौन देगा टैक्स तो जोर से बोलो मेरे साथ सभी जितने स्टूडेंट कनेक्टेड है जहां बैठे वहां से बोल रहे हो क्या सब गवर्नमेंट को टैक्स सप्लायर देगा बट बर्डन पास ऑन टू द बायर बर्डन पास ऑन टू द बायर तो यह केस में ये जो है गवर्नमेंट को टैक्स देगा एटीन थाउजेंड और बिल में बर्डन पास ऑन कर देगा ओके तो टैक्स इज पेबल बाय द सप्लायर सप्लायर उसका टैक्स देगा तो ये यहां पे एरो करो सेंटर में लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाएगा ऑन जीएसटी एन पोर्टल आई रिपीट ऑन जीएसटी एन पोर्टल अमाउंट होगी 18,000 तो 18,000 का टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाएगा और ये इन्वाइस में पास ऑन हो जाएगा बायर को अब यहां पे ओके okay, आईजीएसटी का रेट क्या होगा तो आईजीएसटी का रेट फुल होगा जब इंट्रेस्टेड सप्लाई होगा तो सी और एस और एस जीएसटी सप्लाई होगा तो क्या लगेगा आई जी एस टी यहां तक सभी ने लिखा लिखा होगा तो फटाफट फड़ एल टाइप करो लिखा होगा तो फटाफट फड़ एल टाइप करो ओके okay, तो यहां पे नहीं बेटा ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है फास्ट ट्रैक रिविजन बैच बाद में आएगी और ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ टारगेट रखना चाहते हैं फोर्टी प्लस और ये फ्री नहीं है ये पेड बैच है और आपको ये बैच हमारे वी स्मार्ट अकैडमी डॉट कॉम पर मिल जाएगा लिख लिया अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझ लो गवर्नमेंट को जब आप एटीन थाउजेंड देते हो और ये एटीन थाउजेंड आपने गवर्नमेंट को पे किया तो आपने इन्वाइस बनाया आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया गवर्नमेंट को पे करने के बाद ओके ये गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे शेयर करती है तो यहाँ जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो थी और गवर्नमेंट ने क्या कहा जो गवर्नमेंट आईजीएसटी लेगी उसका 50 परसेंट सुनिएगा उसका 50 परसेंट खुद रखेगी और 50 परसेंट स्टेट को देगी आई रिपीट 50 परसेंट खुद रखेगी और 50 परसेंट स्टेट को देगी हाँ तो पूरा पैसा सेंट्रल नहीं रखेगी इवन दो आपको टैक्स जो है वो टैक्स पूरा का पूरा गवर्नमेंट को देना है एज आई जी एस टी देना है तो व्हाट इज योर रोल तो आपको ये नहीं सोचना है गवर्नमेंट क्या करने वाली योर रोल पे फुल आई जी एस टी एटीन थाउजेंड वॉट गवर्नमेंट विल डू इट जस्ट फॉर यूर नॉलेज नॉट फॉर एग्जाम्प इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूर नॉलेज गवर्नमेंट जो पैसा कलेक्ट करेगी एटीन थाउजेंड मामला इंटरस्टेट का है तो वो सिचुएशन में फिफ्टी परसेंट जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू शेयर करेगी अगर फिफ्टी परसेंट सेंट्रल खुद रखेगा और फिफ्टी परसेंट स्टेट को देगा तो पहला सवाल तो सर इसका मतलब आई जी एस टी का कंट्रोल सेंट्रल के पास है हाँ बोलो मेरे साथ आईजीएसटी का कंट्रोल सेंट्रल के पास है और ये पूरा कंट्रोल सेंट्रल करती है कलेक्शन पूरा सेंट्रल कर लेती है लॉ पूरा सेंट्रल बनाती है लेकिन पूरा का पूरा सेंट्रल नहीं रखती है ओके okay, सेंट्रल जो है वहां पे लिखो यहां पे अब लिखो 50 परसेंट रेवेन्यू सेंट्रल रखता है कम कम कमो लिखो फिफ्टी रेवेन्यू सेंट्रल रखता है और दूसरा फिफ्टी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को देता है फिफ्टी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को देता है लिखा आपने वेरी गुड ठीक है बेटा आ, जो भी आपका प्रॉब्लम है आप ऑर्डर आईडी वगैरह डाल दो ऑर्डर आईडी वगैरह डाल दो प्लीज तो सदी ऑर्डर आईडी डाल दो आप ओके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा चलिए ये लिखा तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो ये आपने 50 परसेंट स्टेट को देगा अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने जो आईजीएसटी कलेक्ट किया उसका 50 परसेंट कौन से स्टेट को देगा तो बेटा सेल हुआ महाराष्ट्र से पर बायर है गुजरात का तो ये डिसाइड हुआ था जब जीएसटी लॉ ला रहे थे तो ये डिसाइड हुआ था कि ये जो 50 परसेंट है ओके okay, जो आईजीएसटी कलेक्ट किया उसका 50 परसेंट रेवेन्यू गवर्नमेंट वो स्टेट के साथ शेयर करेगी जो डेस्टिनेशन स्टेट है मतलब जो जहां गुड सेल किया गया सेलर स्टेट के साथ नहीं जहां से सेल हुआ वहां पे नहीं सुनना जहां से सेल हुआ वो स्टेट के साथ नहीं ओके जहां ओके बायर है उस स्टेट के साथ ये 50 परसेंट रेवेन्यू उसको दिया जाएगा मतलब मतलब ऐसा एरो करके बताओ ओके ये गुजरात को दिया जाएगा क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है सर ये गुजरात को क्यों दिया गया व्हाट इज द लॉजिक लॉजिक क्या है कि भाई आईजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया इंटरस्टेट तो ये ये सप्लाई और ये अगर बिजनेसमैन है ओके और इसके ऊपर क्या लग के आया इसके ऊपर आईजीएसटी लग के आया तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए आगे जब बायर को सेल करना हो आई रिपीट आगे जब बायर को सेल करना हो तो ओके okay, आगे जब बायर को सेल करना हो तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो आगे वो अगर इंट्रा सेल करेगा तो इंट्रा स्टेट सेल करेगा सेम गुड्स तो वो लगाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी और ये जो एसजीएसटी लगाएगा ये गुजरात का होगा ये एसजीएसटी रहेगा वो गुजरात का होगा तो आ, अगर ये पैसा सुनना एक मिनट में लॉजिक समझ लो नहीं तो आपको यहां जैसा जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लेना पड़ेगा ओके okay, ये जो 50% परसेंट का है वो महाराष्ट्र को क्यों नहीं दिया गया वो बायर स्टेट को क्यों दिया गया अगर वो पैसा महाराष्ट्र को देते अगर ये पैसा महाराष्ट्र को देते तो फिर आई का क्रेडिट आगे आगे गुजरात गवर्नमेंट नहीं देती क्योंकि आगे अगर ये सप्लाई हो रहा है और उसका सेट ऑफ लेना है तो यहां पे गुजरात गवर्नमेंट अपने स्टेट से वो आईजीएसटी एडजस्ट नहीं करती क्यों क्योंकि वो पैसा महाराष्ट्र को दिया हुआ है इसीलिए यहां पे ये डिसाइड हुआ जीएसटी लाते वक्त कि यहां ये जो आई का पैसा कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट तो डेस्टिनेशन बायर जो डेस्टिनेशन का है बेटा स्पैम मत करो ओके क्वेश्चन रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड दोनों का सेम है जो अभी रिसेंट बैच है हो गया आंसर मिल गया ओके okay, आंसर मिल गया चलो ठीक है यस yes, बेटा तो मैंने ऑर्डर आईडी लिख लिया है अब बाद में बात करेंगे मेरे को डिस्कशन करने दो यहां पे ओके okay, चलो यहां पे प्लीज मैं अभी कोई भी आंसर नहीं देने वाला हूं स्पैम मत करो नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा ये ओके okay, लेक्चर के एंड में या इस वीडियो के नीचे कमेंट में आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए डाल देना कल स्टार्टिंग में मैं ले लूंगा और कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑर्डर आईडी आपका डाल देना और okay, ये वीडियो के कमेंट्स में या आखिरी में पूछो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है तो अब यहाँ पे जहां तक है ये तो गवर्नमेंट ने एक बस सिंपल लॉजिक बता देता हूं कि गवर्नमेंट ने ये जो आईजीएसटी का 50 परसेंट रेवेन्यू बाय स्टेट को इसलिए दिया क्योंकि अगर ये पैसा गुजरात को मिला तो गुजरात वो आईजीएसटी का क्रेडिट एस जीएसटी में दे देगा इसके वजह से यहां पे ओके okay, रेवेन्यू किसको दिया गया तो रेवेन्यू गुजरात को दिया गया यहां लिखो डेस्टिनेशन स्टेट डेस्टिनेशन स्टेट के साथ वो शेयर किया गया समझा क्या जो भी स्टूडेंट को समझा होगा जो लॉजिक है ब्रॉड सेंस में आपको डेप्थ में नहीं जाना है ब्रॉड सेंस में समझा होगा एग्जाम के हिसाब से अगर तो एक आधा क्यू क्वेश्चन है पूछा होगा तो आईजीएसटी का 50% परसेंट रेवेन्यू बाय स्टेट के साथ शेयर किया जाता है समझा होगा तो फटाफट वन टाइप करो बेटा वन टाइप करो तो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट कौन किसको मिलेगा तो गुजरात और यहां लिख दो रेवेन्यू फिफ्टी रेवेन्यू रेवेन्यू इज अलोकेटेड इज अलोकेटेड allocated टू गुजरात अलेगेटेड टू गुजरात गवर्नमेंट अगर वो गुजरात को दिया तो वो सामने उसका क्रेडिट मिल जाएगा डन वेरी गुड चलिए तो ये था बेटा यहाँ पे कि यूनिक फीचर ऑफ यहाँ पे आई जी एस टी जस्ट मिनट जस्ट मिनट बेटा चलो मैं पढ़ लेता हूं नो अदर कंट्री देखिएगा नो अदर कंट्री हैज द कंसेप्ट ऑफ आई जी एस टी विच फैसिलिटेट सिमलेस फ्लो ऑफ आई टी सी और फ्लोइंग इन एंड अराउंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंडिया ही ऐसी एक कंट्री है जहां आई जी एस टी है बाकी कोई भी अदर कंट्री में आई जी एस टी नहीं है ठीक है और हमने इसलिए लाया क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है और अगर हमें जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो उसमें क्रेडिट का नुकसान नहीं होना चाहिए उसके वजह से हमने आईजीएसटी लाया दूसरा इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्स अंडरलाइन अंडरलाइन ओके क्या अंडरलाइन करना है इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विस विल सब्जेक्ट टू आई अगर आपका सप्लाई इंटरस्टेट होगा तो उस पर आई लगेगा ई जी एस टी अप्रोक्सिमेटली बी अम टोटल ऑफ सी जी एंड एस जी क्या रेट से लगेगा तो जो टोटल रेट रहेगा उस पर ओके okay, जैसे आपका जीएसटी का रेट फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट या ट्वेंटी एट परसेंट जो रेट रहेगा उसके हिसाब से लगेगा ओके okay, अब डायग्राम में देखो मतलब ये समझ लो सप्लायर महाराष्ट्र का है बाहर गुजरात का है तो ऐसे सिचुएशन में सप्लायर अगर महाराष्ट्र में सेल करता है तो महाराष्ट्र में सेल करता है तो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जहां सप्लाई हुआ वहां का टैक्स लगेगा तो अगर ये महाराष्ट्र में सेल कर रहा है तो इसे कहते हैं इंट्रा इसे कहते हैं क्या बेटा इंट्रा और अगर ये इंट्रा हो रहा है तो इसके ऊपर सी जी एस टी फिफ्टी परसेंट एच जी एस टी फिफ्टी परसेंट लगेगा और अगर ये इंटर स्टेट कर रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट तो आई जी एस टी लगेगा और वो आई जी एस टी यहाँ पे ओके हंड्रेड परसेंट मतलब जो भी आपका जी एस टी रेट होगा उससे लगेगा और आई जी एस टी का जो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिफ्टी परसेंट खुद रखेगी और फिफ्टी परसेंट स्टेट को बांटेगी ओके okay, और कौन से स्टेट को देगी जो बायर स्टेट है उसको देगी सो so दैट आगे उसका क्रेडिट कंटिन्यू रहे ओके okay, यानी उस स्टेट स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट वो वो में अगर वो माल बेचा गया तो वो गवर्नमेंट उस आईजीएसटी का भी क्रेडिट अलाउ करे और कहीं पे भी क्रेडिट ओके okay, पे ना हो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट आईजीएसटी लगेगा लेकिन आप सिर्फ गुड्स के केस में मत इमेजिन करना सर्विस के केस में भी सेम प्रोविजन होगी जैसे अभी मैं ये सर्विसेज दे रहा हूं अगर मैं यहां पे लोकल पढ़ा रहा हूं फेस टू फेस फिजिकल यहां पे पुणे में पढ़ा रहा हूं तो अगर मैं पुणे में पढ़ा रहा हो तो मैंने ओके okay, महाराष्ट्र डेस्टिनेशन पे सर्विस दिया तो ये डेस्टिनेशन अगर सेम स्टेट होगा तो इंट्रा स्टेट कहलाया जाएगा और क्या लगेगा बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा और अगर मैंने अदर स्टेट में समझ लो आप अदर स्टेट में बैठे हो और मेरी सर्विस अदर स्टेट में जा रही है तो उसे इंटर स्टेट कहा जाएगा और वहां क्या लगेगा आईजीएसटी लगेगा तो इंटर स्टेट सप्लाई यानी क्या सुनो वेरी इंपॉर्टेंट तो चलो आ जाओ नोटबुक में और आप अब अब आपको लिखना है ओके okay, जो मैं कह रहा हूँ वो लिखना है वॉट डू मीन बाई इंटरस्टेट सप्लाई तो चलो लिखो ओके okay, टाइटल दो इंटरस्टेट सप्लाई कब बोला जाता है इंटरस्टेट सप्लाई कब बोला जाता है लिखते लिखते मैं आपको पढ़ाऊंगा अगर क्रेडिट का कोई इश्यू होगा तो मैं आगे कवर करूंगा ओके क्रेडिट कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ ओके डोंट वरी फॉर दैट ओके बस अभी इतना समझ लो कि आगे कंटी पूरा फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट के लिए यहाँ पे उसका रेवेन्यू 50 परसेंट किसको दिया गया तो वो बाय स्टेट को दिया गया अगर इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा तो डोंट वरी मैंने आपको कल भी बताया आज भी बताओ कि मैं आपको फोर लेयर में पढ़ाने वाला हूँ और कहीं ना कहीं आपका जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो चलिए तो आपने इंटरस्टेट सप्लाई तो लिखो इंटरस्टेट सप्लाई कौन कौन से हो गए और मैं एक एक लाइन आपको समझाता हूं लिखो फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन कॉल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई हमारे जो क्वेश्चन बैंक की नोटबुक uh, है उसमें लिखना है चार्ट वाली नोटबुक नहीं क्वेश्चन बैंक की नोटबुक में लिखना है चलो फटाफट आ जाओ यहाँ पे फॉलोइंग आर द सप्लाइज आर कॉल्ड इंटरस्टेट सप्लाई हमारी जो क्वेश्चन uh, बैंक की नोटबुक है आपने दो रजिस्टर बनाए होंगे एक रजिस्टर चार्ट के लिए बनाया होगा एक रजिस्टर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बना राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बनाया होगा तो जो हमारा क्वेश्चन बैंक का राइटिंग प्रैक्टिस वाला रजिस्टर है उसमें लिखो लिखो पहला यहां पे लिखना लोकेशन ऑफ सप्लायर ओके लिखते वक्त ध्यान रखना लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेस ब्रैकेट में एलओएस लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस सर्विसेज ब्रैकेट में एलओएस और नेक्स्ट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ब्रैकेट में पीओएस ब्रैकेट में पीयूएस आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट स्टेट थोड़ा फास्ट स्पीड में रखना ब्रैकेट में लिखो दैट इज दैट इज सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट दैट इज सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट वन स्टेट टू अनादर स्टेट ठीक है आपका सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है ओके तो उसे हम कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई स्टे। अब देखो वर्डिंग क्या है सप्लायर का लोकेशन ध्यान सुनना सप्लायर का लोकेशन एक स्टेट में है समझ लो सप्लायर महाराष्ट्र का है उसका लोकेशन महाराष्ट्र में है। और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जहां आप गुड्स डिलीवर्ड कर रहे हो जो प्लेस पे आप सप्लाई कर रहे हो जहां गुड्स आप डिलीवर्ड कर रहे हो वो अदर स्टेट में है तो ये ध्यान रखना है आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई रिपीट लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये ध्यान रखना है तो ओके सिंपल वे में मैं वर्ड यूज करूंगा एंड दूसरा सर्विस का लेता हूं लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र का है और प्लेस ऑफ सप्लाई जहां मैं सर्विस दे रहा हूं समझ लो आप गुजरात में बैठे हो आप ओके okay, दिल्ली में बैठे हो आप राजस्थान में बैठे हो आप कर्नाटका में बैठे हो और मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई जहां मेरा सप्लाई जा रहा है वो गुजरात है ओके okay, तो जब आपका सप्लायर का लोकेशन एक स्टेट है और आपका प्लेस ऑफ सप्लाय अदर स्टेट है तो उसे इंटर स्टेट बोला जाता है ओके okay, आई बात समझ में समझ में आई होगी तो फटाफट वन टाइप करो समझ में आई होगी तो फटाफट वन टाइप करो दूसरा लिखो सेकेंड कब इंटरस्टेट बोला जाएगा सेकेंड लिखो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेस सेकंड लिखो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेस ब्रैकेट में एलओ एस ब्रैकेट में एल में एलओएस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई ब्रैकेट में पीओएस प्लेस ऑफ सप्लाई ब्रैकेट में पीओएस आर इन स्टेट एंड यूटी आर इन स्टेट एंड यूटी ब्रैकेट में ब्रैकेट में इतना और वाइस वर्सा स्टेट एंड यूटी ब्रैकेट में और वाइस वर्सा वाइस वर्सा मतलब क्या मतलब यहां पे वर्डिंग्स लिखते वक्त लिखते वक्त आपका इतना फोकस होना चाहिए कि लिखते टाइम ही लर्न हो जाना चाहिए लेना है ना आपका वो फोर्टी प्लस तो लिखते टाइम ही लर्न हो जाना चाहिए मतलब क्या मतलब ये हुआ कि हो सकता है सप्लायर एक स्टेट में है और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई यूटी में समझ लो मैं महाराष्ट्र का हूँ और मुझे ऑर्डर अंदमान निकोबार से आया तो मैं जब महाराष्ट्र से अंदमान निकोबार सप्लाई कर रहा हूँ या द्यू दमन दादरा नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है या फिर ओके चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है तो ओके अब समझ लो पंजाब से चंडीगढ़ जा रहा है या महाराष्ट्र से चंडीगढ़ जा रहा है जो यूनियन टेरिटरी है आई रिपीट जो यूनियन टेरिटरी है और वाइस वर्षा तो ऐसे सिचुएशन में जब एक स्टेट से यूटी में जाएगा या यूटी से स्टेट में जाएगा तो इसे इंटरस्टेट कहा जाएगा और उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा डन 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 ओके okay, चलो अगर टू समझाओगा ओके okay, तो टू टाइप कीजिएगा बेटा देखो आपके और मेरे बीच में सिर्फ अब ये टाइप करना ही है तो मुझे आपका समझ में आएगा और एक टीचर को जब वो स्टूडियो से लेता है तो फेस तो सामने नहीं होते अदरवाइज़ फेस से समझ जाता है लेकिन आपके रिस्पॉन्स से ज़रूर मैं समझ जाऊंगा और मुझे पढ़ाने में तो मोटिवेट तो होगा और ओके okay, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई उसके बेस पर मेरा आगे का पढ़ाना होगा इसलिए प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिएगा ओके okay, तो ये पॉइंट टू था जिसमें हमें लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई फिर से बता दू जहां गुड्स आप डिलीवर कर रहे हो वो स्टेट जहां सर्विस आप डिलीवर कर रहे हो वो स्टेट वो अदर स्टेट में सो तो उसे इंटर स्टेट कहा जाएगा नाउ थर्ड लिखो थर्ड लिखो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज ब्रैकेट में एलओएस लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ब्रैकेट में एलओ एंड एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ब्रैकेट में पीओएस प्लेस एंड सप्लाई ब्रैकेट में पीओएस आर इन डिफरेंट यूटीज डिफरेंट यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी आर इन डिफरेंट यूटी यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी चलिए इसका मतलब क्या होता है कि समझ लो ट्रांजेक्शन हुआ अंदमान निकोबार से चंडीगढ़ चंडीगढ़ भी यूटी है और अंदमान निकोबार भी यूटी है तो दो यूटीज में ट्रांजेक्शन हो गए या दीव दमन दादरा नगर हवेली या फिर लद्दाख लद्दाख यहाँ पे ओके सॉरी जम्मू एंड कश्मीर यूटी है लद्दाख यूटी है जम्मू एंड कश्मीर नहीं लद्दाख यूटी है तो जब आपके ट्रांजेक्शन सुनना ध्यान से एक यूटी से दूसरे यूटी में हो गए अंदमान निकोबार से लद्दाख हुए लद्दाख यूटी है तो ऐसे सिचुएशन में वो भी इंटरस्टेट बोला जाएगा तो चलो मेरे साथ लर्न करो

थर्ड लोकेशन ऑफ सप्लायर एक यूटी में है और प्लेस ऑफ सप्लाय दूसरे यूटी में है तो उसे इंटरस्टेड बोला जाएगा अब नेक्स्ट टू पॉइंट लिखो नेक्स्ट टू पॉइंट लिखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस राइट डाउन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस और फिफ्थ लिखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस फिफ्थ लिखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस ठीक है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है तो अब देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अब देखो आप एक लेमैन जैसा आप क्या सोचोगे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंटरस्टेट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या इंटरस्टेट अब इंटरस्टेट में यहाँ पे सुनो इंटरस्टेट में क्या होगा तो इंटरस्टेट में आप क्या सम आप क्या सोचोगे लेमैन जैसा भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट ओके okay, लेमैन जैसा सोचोगे पर भाई साहब आपको लेमैन जैसा नहीं सोचना है अब आप लॉ पढ़ रहे हो और लॉ से लॉ होना चाहिए और लॉ ओके okay, क्या जीएसटी से होना चाहिए तो वो क्या कहते हैं कि अगर ये इंडिया है और बाहर से यूएस से गुड्स इंडिया में आ रहा है ओके okay, इंडिया में आ रहा है तो वैसे लैंग्वेज में कंट्री तो हुआ लेकिन okay, इंपोर्ट okay, करते, करते हो तो ये भी स्टेट बोला जाएगा और इंपोर्ट गुड्स पे भी आईजीएसटी लगेगा इंपोर्ट गुड्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगती है बेसिक कस्टम ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट पे लगती है इन एडिशन टू कस्टम ड्यूटी इंपोर्टेड गुड्स पे आई जी एस टी भी लगेगा समझा होगा तो फटाफट फड़ फोर टाइप करो तो यहां पर इंटर कंट्री ट्रांजेक्शन भी इंटरस्टेट माने जाएंगे और उस पर भी आईजीएसटी लगेगा वेरी गुड बहुत बढ़िया उसके बाद में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सुनो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो so, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो so इंडिया से आप जापान एक्सपोर्ट कर रहे हो तो so इंडिया से जब आप जापान एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये ट्रांजेक्शन एक कंट्री से दूसरे कंट्री हुआ है तो ये भी इंटरस्टेट बोला जाएगा और ये भी इंटरस्टेट बोला जाएगा तो इसे भी आई लगेगा एक्सपोर्ट गुड्स पर भी आई लगता है सुनिए अब एक नया कॉन्सेप्ट मैं पिक्चर में डाल रहा हूं और अभी डोर बांधते हैं अभी डोर बांधते हैं अगर नहीं समझा तो मुझे बताना तो पहला पॉइंट अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विस इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी जीएसटी के इंपैक्ट है बोलो मेरे साथ कोई भी गुड्स और सर्विस इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी जीएसटी के इंपैक्ट है और उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है आईजीएसटी लगता है और भाई अभी तक अच्छे समझाओगेगा तो क्या लाइक करो भाई ओके okay, लाइक like करो अगर अच्छे से समझ रहा होगा और आपको सच में मजा आ रहा होगा तो लाइक करो मैं लाइक देखना चाहता हूं तो मुझे समझेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है क्योंकि तुम्हारा मेरा कम्युनिकेशन का तरीका बस वही है कि आपको लाइक करना पड़ेगा तो मुझे अच्छा लगेगा मैं भी मोटिवेट होगा ओके okay, तो ऐसे केस में यहां पर तो बेटा पहले बैच आज का लेक्चर देख लो फिर बैच की फीस क्या बाद में देखेंगे आखिरी में बताऊंगा लेक्चर का मजा तो ले ले आज ओके फिर बाद में देखेंगे तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट पे भी आईजीएसटी के जीएसटी के इंपैक्ट है और आईजीएसटी लगता है और आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट पर भी जीएसटी के इंपैक्ट है और दोस्तों जीएसटी इसके ऊपर भी लगता है एक्सपोर्ट पर भी लगता है ये वही ना बात अब मैं एक कॉन्सेप्ट पिक्चर में डालना चाहूंगा सुनिएगा एक कौन से पिक्चर में अभी डालना चाहूंगा हो सकता है ये पूरा ना समझे पर मुझे टाइम देना अगर मैं जो बोल रहा हूं उसका फिफ्टी परसेंट भी समझ गया तो समझ लेना समझ गया बाकी फिफ्टी परसेंट कैसे कंप्लीट करना मैं बताऊंगा मेरे पे पूरा ट्रस्ट रखो मेरे पे पूरा ट्रस्ट रखो हाँ अब देखिए बेटा यहां पर अब मुझे देखो ये जो आई है नहीं बेटा ये एक मिनट एक मिनट कोई अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट जाऊंगा ये फास्ट ट्रैक रिविजन नहीं है ये रेगुलर है हंड्रेड परसेंट है ठीक है आप अगर सेकेंड टाइम भी रिपीट कर रहे हो तो थोड़ा पहले दो चैप्टर में पेशेंस रखना मैंने पहले ही कल बताया था दो चैप्टर में थोड़ा हो सकता है कि आपको स्लो लगे जिनका जीएसटी अच्छे से हुआ और बेटा दो चैप्टर के बाद मुझे क्या है कि जो फर्स्ट टाइम जीएसटी देख रहे हैं इनको मुझे थोड़ा बेस बनाना पड़ेगा इनको तो तुम्हारे लेवल पे लाना पड़ेगा और उसके बाद आपको समझ जाएगा कि ये कैसे मैंने बैच डिज़ाइन किए पहले दो चैप्टर ठीक है चलो तो ओके okay, यहाँ पे आई जीएसटी अब मैं आता हूँ एक्सपोर्ट के केस में तो एक्सपोर्ट के केस में अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट के केस में आई जी एस टी लगता है लेकिन

एग्जाम्पल लेते हैं गोपाल ओके गोपाल भाई ओके समझ ले तू एक्सपोर्ट करना चाहता है गोपाल ने कहा हाँ सर मैं एक्सपोर्ट करूँगा मोदी जी खड़े इधर मोदी जी खड़े और इधर गोपाल है ओके तो गोपाल ने कहा कि यहाँ पे मोदी जी कह रहे गोपाल भाई एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करो क्या कर रहे हो हमको इंडिया की डेवलपमेंट करनी है फॉरेन एक्सचेंज लाना है ओके इंडिया को पहले नंबर पे लाना है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होगी तो हम वर्ल्ड की कोई भी टेक्नोलॉजी जो है खरीद पाएंगे और जहां तक देखा जाए हम यूएस को डोमिनेट करेंगे ला लाओ एक्सपोर्ट करो फॉरन एक्सचेंज लाओ तो गोपाल ने कहा हाँ सर बिल्कुल मैं एक्सपोर्ट करूँगा फ़ॉरन एक्सचेंज लाओगेगा सर ओके आपके लिए तो मैं कुछ भी करूँगा अब यहाँ पे मोदी जी ने कहा अगर तू पैसा फॉरेन एक्सचेंज में लाता है और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाता है तो हमने तेरे पे जो टैक्सेस लगाए टैक्स तो लगेगा पर इस ये टैक्स को हम आपका इंसेंटिव दे देंगे इंसेंटिव दे देंगे मतलब ये टैक्स अगर पैसा कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज में लाता है बोलो मेरे साथ अगर पैसा तू कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज में लाता है तो ये टैक्स हम तेरे को जीरो कर देंगे भाई पहले तो टैक्स लगाएंगे पर हमारी कंडीशन पूरी कर हमारी कंडीशन क्या पूरी कर कि तू ये जो पैसा है ओके okay, एक्सपोर्ट का रुपीज में मतला कन्वर्टेबल फोन एक्शन मिला तो तुझे इंसेंटिव देंगे और ये लगने वाला टैक्स समझ लो तेरे पे अठारह परसेंट टैक्स लगेगा तो इसको हम जीरो कर देंगे तो गोपाल ने कहा सर जीरो हो जाएगा मेरा टैक्स हाँ ना सर अठारह परसेंट टैक्स आ रहा है देखो मैं तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ पर अठारह परसेंट टैक्स आ रहा है सर ये तो गलत है ना देखो मेरी प्राइस बढ़ रही है टैक्स की वजह से तो बोधि जी कहे जा तेरी जिंदगी जी ले पैसा कन्वर्टिबल फोन एक्शन में लाया तो तुझे जीरो ओके okay, ये टैक्स कर देंगे ये जीरो जो है ये इंसेंटिव हो गया और इसका नाम पड़ गया क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिव देके टैक्स को जीरो कर रही है अगर पैसा कन्वर्टेबल फाइन एक्सचेंज में आया इसलिए इसका नाम पड़ गया चलो मेरे साथ सभी बोलोगे इसका नाम पड़ गया जीरो रेटेड सप्लाई इसका नाम पड़ गया जीरो रेटेड सप्लाई तो जनरली जीरो रेटेड सप्लाई कब बोला जाता है सब ने बोला जोर से क्या ओके बोला क्या क्या बोला जीरो रेटेड सप्लाई तो जनरली जीरो रेटेड सप्लाई कब बोला जाता है जब आप एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट का पैसा कन्वर्टेबल फॉन एक्सचेंज में लाते हो कमॉन एक्सपोर्ट करते हो और पैसा कन्वर्टेबल फॉर्न एक्सचेंज में जाते हो तो जो आपके ऊपर टैक्स लगाया गवर्नमेंट उसको जीरो कर देती है तो वो कहा जाता है वो इंसेंटिव को कहा जाता है जीरो रेटेड सप्लाई उस इंसेंटिव को कहा जाता है जीरो रेटेड सप्लाई समझ में आया कि नहीं आया ये yes, बोलिए फटाफट फड़ बताइए समझ में आया कि नहीं आया तो ये था बेटा ओके डिस्कशन ऑन इंटरस्टेट सप्लाई आई होप आपने मजा आपको मजा आया होगा और मजा आया होगा तो फटाफट लाइक कीजिएगा और एमजेड एमजेड टाइप कीजिएगा तो चलिए हमारे डिस्कशन पे आते हैं तो ये हमने इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में यहां पे पढ़ा ये हमने इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में पढ़ा ठीक है डन वैसा तो मैंने यहाँ नोट्स में भी दिया था पर आपसे लिखवा लिया मैंने मेरे को जानबूझ के लिखवाना था इंटरस्टेट सप्लाई वैसे तो मैंने नोट्स में भी दिया है पर कुछ चीजें मैं आपके राइटिंग प्रैक्टिस में लोग चलो अब उसके बाद में ओके okay, यहाँ पे तो चलो इंट्रास्टेट सप्लाई पे इंटरा स्टेट सप्लाई पे क्या होगा और इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या होगा इंटरास्टेट सप्लाई पे यहाँ पे आपको दो एक्ट लगेंगे सी जी एस टी एक्ट और एस जी एस टी एक्ट ये फिफ्टी परसेंट टैक्स लगाता है ये फिफ्टी परसेंट टैक्स लगाता है जीएसटी और एस जीएसटी ये फिफ्टी परसेंट टैक्स लगाता है और ये फिफ्टी परसेंट टैक्स लगाता है और कुछ जहां यूनियन टेरिटरी होगी पांच ऐसी यूनियन है, ओके, यहां पे, यूनियन टेरिटरी टेरिटरी है ओके पे होगी वहां यूटी जीएसटी एक्ट लगेगा एक्ट लगेगा और अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो वहां पे आई जीएसटी एक्ट अप्लीकेबल होगा और आईजीएसटी लगेगा येस और नो नहीं नहीं ऐप की चार्ट मैं अभी नहीं देख रहा हूं ओके okay, मेरा मेरा आईपैड जो है ओके okay, ऐप खुलने में टाइम पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो अभी मैं सिर्फ यूट्यूब की चार्ट देख रहा हूँ आपको अगर कुछ डिस्कस करना होगा तो यूट्यूब पर आ जाना ठीक है और प्लीज़ 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 ओके प्लीज, okay, वो यहाँ पे मैं ये जो बंदा है ना टैक्स वैक्स वाला इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ भाई ओके ये अननेसेसरी जो है यहाँ पे स्पैम कर रहा है चलो आ जाओ यहाँ पे अब देखो ये जो यू टी जी एस टी है वो जो यूनियन टेरिटरी में होगा तो वो केस में यहाँ पे ओके यू टी जी एस टी लगेगा चलो डन अब आ जाओ आगे के डिस्कशन पे अब आ जाओ आगे के डिस्कशन ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैं ये जो डिस्कशन है ये लेना चाहोगा Constitutional फॉर for GST. ओके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर जीएसटी देखो तो यहां पे ये एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पहले पूछा गया था पर ये लर्न नहीं हुआ तो भी चलेगा अब इतना काम का नहीं है पहले मैंने क्वेश्चन एयर में लिया है इसका तो रिलेटेड क्वेश्चन यार अगर आप ओपन करके रखते हो तो ये क्वेश्चन यार नंबर साथ साथ में देख सकते हो ओके okay, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी देख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन मिला होगा करंटली द फिजिकल पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर क्लियरली डिमार्केटेड इन द लिस्ट वन लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री ऑफ आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स विद ऑलमोस्ट नो और लैब बिटवीन द रिस्पेक्टिव डोमेन अगर आपको आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स याद होगा जो आपने इनकम टैक्स में या लॉ में पढ़ा होगा तो आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स तीन लिस्ट प्रोवाइड करता है एक अगर आपको याद होगी तो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन करेंट लिस्ट कुछ याद आया आपको यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट ओके यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ओके बेटा जो भी जिसको भी स्टूडेंट को क्वेश्चन है क्लास ये वीडियो के कमेंट में आपका ऑर्डर आईडी डाल देना या ये वीडियो के एंड में आपका ऑर्डर आई दे देना याद आया तो यस गोरनाक मैं समझ गया समझ गया आप आखिरी में ऑर्डर आईडी डाल देना ठीक है प्लीज स्पैम मत करना बेटा तो तीन लिस्ट होती है जिसमें सेंटर के पास क्या पावर है और स्टेट के पास क्या पावर है ये क्लियर दिया हुआ है सेंटर हैज पावर टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्सेप्ट अल्कोलिक क्लिकर फॉर यूमन कंजन एंड एक्सेट्रा वेल स्टेट है पावर टू लेवी टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स वगैरह केस ऑफ इंटरस्टेट सेल सेंटर एज अ पावर टू लेवी सी एस टी मतलब क्या ये पुराने लॉ में ऐसा था कि भाई सेंटर के पास एक्साइज था स्टेट के पास सेल्स टैक्स था अगर आपने वो टैक्सेस लिखे होंगे और जब इंटरस्टेट होता था तो सी एस टी लगता था हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में इस पर नहीं पूछेंगे फॉर द सर्विसेज सेंटर अलोन वॉज एम्पावर टू लेवी सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स पहले पूरा सेंटर के हाथ में था

लिस्ट टू थी स्टेट लिस्ट और लिस्ट थ्री थी कॉन्करेंट लिस्ट ये तीन लिस्ट थी हमारे आर्टिकल में अब यूनियन में जो सब्जेक्ट दिए है उसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती थी लिस्ट टू में जो स्टेट में दिए उसके ऊपर स्टेट ही लॉ बना सकता था और लिस्ट थ्री में जो सब्जेक्ट्स दिए सुनिएगा लिस्ट थ्री में जो सब्जेक्ट दिए हैं उसके ऊपर ओनली यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट मतलब सेंटर एंड स्टेट दोनों लॉ बना सकती थी लेकिन क्या था कि जीएसटी लाना है तो जीएसटी ऐसा नहीं था कि सेंटर ही बनाएगा स्टेट बनाएगा ऐसा नहीं था जीएसटी लाने के लिए ऑब्जेक्ट ये था कि दोनों मिलकर दोनों मिलकर सेम ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाएगी अब दोनों मिलकर सेम ट्रांजेक्शन पे, पे टैक्स लगाना तो ये तीनों लिस्ट में पावर नहीं था हाँ लिस्ट थ्री में कॉन्करेंट लिस्ट जो थी वो कॉन्करेंट लिस्ट में ये था कि कोई सब्जेक्ट पे दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाएगी पर दोनों अलग अलग बनाएगी एग्जाम्पल अल के तौर पर टेररिज्म टेररिज्म जो था ओके लिस्ट थ्री में है एजुकेशन ओके एजुकेशन लिस्ट थ्री में अब एजुकेशन में सेंट्रल बोर्ड भी है और स्टेट बोर्ड भी है पर दोनों अलग अलग है दोनों मिलकर नहीं चलाते हैं जैसा आपने सी बी एस सेंट्रल बोर्ड है और ओके okay, ये स्टेट uh, बोर्ड भी होगा पर दोनों सेपरेट लॉ बनाते हैं दोनों सेपरेट प्रोसीजर करते हैं सब्जेक्ट सेम है एजुकेशन पर दोनों अलग अलग चलाते हैं हमें जीएसटी ऐसा नहीं चाहिए था कि सेंट सेंट्रल अपने हिसाब से चलाएगा स्टेट अपने हिसाब से चलाएगा ऐसा नहीं चाहिए था ओके okay, कोई भी ट्रांजेक्शन तो ज्वाइंटली ज्वाइंटली साइमल्टेनियसली सेंटर और स्टेट साथ में चलाएंगे इसलिए ये देखा गया कि भाई ये जो लिस्ट दी गई है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट इसमें हमें ओके जीएसटी एस लगाने का पावर ही नहीं मिलता है क्यों क्योंकि जीएसटी जो लॉ ऑपरेट करना था वो दोनों गवर्नमेंट मिलकर चलाने वाला था तो लिस्ट वन हेल्प नहीं करेगा लिस्ट स्टेट के लिए है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है पर अलग अलग बनाएगी ज्वाइंटली नहीं बनाएगी तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जरूरत पड़ी ओके okay, तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिक्वायर्ड ओके रिक्वायर्ड अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन सो हेज टू साइमल्टेनियसली एम्पावर सेंटर एंड स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट दिस टैक्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली ज्वाइंटली यह हाईलाइट करना कि वे दोनों गवर्नमेंट मिलकर जो है यहां पे लॉ बनाएगी ठीक है एम्पावर सेंटर एंड स्टेट फॉर लेवी एंड कलेक्ट द टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया और ये आप एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए याद करके जाना और अमेंडमेंट जो हुई जीएसटी लाने के लिए वो अमेंडमेंट थी हंड्रेड एंड फर्स्ट अमेंडमेंट और हंड्रेड एंड फर्स्ट अमेंडमेंट हुई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लाया गया ओके फॉर दिस पर्पज आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए एक नया आर्टिकल एड किया गया जीएसटी लाने के लिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया संशोधन नंबर था 101 जीरो वन ओके ये एमसीक्यू के लिए याद करना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जीएसटी आया तो हंड्रेड एंड फर्स्ट अमेंडमेंट से आया और आर्टिकल 246 ए लाया गया विच एम्पायर एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी तो इसमें से आपको सिर्फ ये याद रखना था कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है तीन अलग अलग लिस्ट है लेकिन ज्वाइंटली हमें जीएसटी लगाना था ज्वाइंटली जीएसटी लगाने का पावर आर्टिकल 246 में नहीं था <coughs> इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया हंड्रेड एंड फर्स्ट अमेंडमेंट लाई गई और आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए लाया गया चलिए तो अब हम देखेंगे आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए क्या कहता है आर्टिकल ए जो है अब ये पढ़ेंगे और ये एग्जाम के हिसाब से पढ़ के जाना सोर्स एंट्री फॉर जीएसटी है यहां से गंगा का जन्म हुआ यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री है ये गंगा का जन्म पॉइंट है गंगा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ओके हर एक्ट का सोर्स वहां से निकलता है वहां से जन्म होता है ओके okay, तो जीएसटी का जन्म जो हो रहा है ओके okay, आज चलो ओके okay, यहाँ पे खुशियाँ मनाओ ओके okay, लड्डू बाटो क्योंकि जीएसटी का जन्म होने वाला है और वो होने वाला है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री आर्टिकल टू ए से ओके सो यहाँ पे आर्टिकल 101 आप इमरजेंसी नंबर भी याद रख सकते हो सर कैसे याद रखें तो वन अमेंडमेंट मतलब इमरजेंसी ये <laughs> याद रख सकते हो तो so, आर्टिकल 246 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 और 254 पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट पार्लियामेंट ओके एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट यानी दोनों मिलकर हैज़ अ पावर टू मेक द लॉ दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे एंड एंड मतलब दोनों साथ में चलेंगे पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट ओके लोकसभा एंड विधानसभा ओके दोनों साथ में ओके okay, यहाँ पे पावर टू मेक द लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय यूनियन और स्टेट मतलब जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी इंडिया के सारे गुड्स सुनो इंडिया के सारे गुड्स और इंडिया के सारे सर्विसेज पे दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे और दोनों मिलकर ज्वाइंटली टैक्स लगाएंगे फिफ्टी फिफ्टी और आईजीएसटी होगा तो ओके आईजीएसटी टैक्स एक ही लगेगा पर सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी कलेक्ट करने के बाद 50 परसेंट स्टेट को बांटेगी और वो स्टेट कौन सा तो डेस्टिनेशन स्टेट रहेगा चलिए ओके okay, अब ये देखिए ये तो दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे लेकिन आगे क्या कहते हैं पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल ओके पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल तो पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव Or or मतलब पार्लियामेंट तो बनाएगी, बनाएगी. सुनो, अगर सप्लाई इंट्रा है तो दोनों गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली लॉ बनाएगी जिसे हम सी जीएसटी एक्ट और एस जी एस टी एक्ट कहेंगे लेकिन आपका अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो वो केस में ओनली पार्लियामेंट एक एक्ट बनाएगी आईजीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन भी पार्लियामेंट करेगी सुनिएगा रेवेन्यू कलेक्शन भी पार्लियामेंट करेगी और जो पार्लियामेंट ने रेवेन्यू कलेक्ट किया फिर बाद में उसका 50 परसेंट स्टेट को बांटेगी बाद में बांटेगी ओके यहां तक पॉइंट समझा क्या अगर यहां तक समझाओगेगा तो प्लीज फटाफट फड़, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है वन टाइप करो आपके टाइप करने से ही मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है ओके okay, और कोई स्टूडेंट के क्वेश्चन भी हो गए तो क्वेश्चन पुट कर दो कहां आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं कवर कर लूंगा डन डन आ डन डन यस और नो तो आपको समझा होगा तो फटाफट वन टाइप करो ठीक है तो जीएसटी लगाने का पावर आ गया दोनों गवर्नमेंट मिलकर टैक्स लगाएगी अगर इंट्रा होगा और इंटर स्टेट होगा तो पार्लियामेंट आईजीएसटी एक्ट बनाएगी और पार्लियामेंट आईजीएसटी एक्ट बनाएगी और उसका टैक्स सेंट्रल लगाएगी जो बाद में हमने एक डायग्राम बनाया था बाद में वो स्टेट के साथ बांटा जाएगा बाद में वो स्टेट के साथ बांटा जाएगा ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता बेटा ये तीनों लिस्ट तो फेल होगी इसके लिए सेपरेट आर्टिकल 246 ए बनाया गया सुनो ये कॉन्ट लिस्ट में नहीं आता है क्योंकि जीएसटी ना लिस्ट वन में आता है ना टू में आता है ना थ्री में आता है जीएसटी के लिए सेपरेट आर्टिकल बनाया गया और वो था आर्टिकल 246 ए और आर्टिकल 246 ए बना के जी लगाने का पावर दिया गया एग्जाम में अगर आपको सवाल आया तो एग्जाम में जो है बेटा से ये कोई इस आ गया ठीक है तो एग्जाम में अगर आपको सवाल आया कि भाई कौन से आर्टिकल से जीएसटी लगाया गया तो आपको ये याद रखना है आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए ओके इससे आपको जीएसटी लगाया गया है चलिए अब देखो नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट आता हूं एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन ठीक है ये थेरी क्वेश्चन आया था कि भाई वी अंडर विच आर्टिकल क्या है uh, ये का ले भी हुआ एक्सप्लेनेशन और ये इंपॉर्टेंट यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ने वाले हैं ठीक है द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शाल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेफर्ड इन क्लॉज फाइव ऑफ आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल और आर्टिकल टू सेवेंटी फाइव कवर गुड्स। चलो देखो आर्टिकल टू ये पावर देता है कि सेंटर और स्टेट ज्वाइंटली इंडिया के सारे और गुड्स सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगाएंगे ज्वाइंटली लगाएंगे इन द नेम ऑफ सी और एस इंटरस्टेट होगा तो आई जीएसटी देन जितने भी इंडिया में गुड्स के ट्रांजेक्शन हो गए या सर्विस के ट्रांजेक्शन हो गए इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा लेकिन लेकिन जो आर्टिकल 279 ए फाइव में आएंगे वो गुड्स पे जीएसटी तब से लगाया जाएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा पहला सवाल सर व्हाट डू यू मीन बाय काउंसिल देखो सारे स्टेट्स अराउंड ट्वेंटी एट स्टेट्स है यूनियन टेरिटरीज है ओके ट्वेंटी एट स्टेट्स है सेवन uh, uh, यहां यूनियन टेरिटरीज yes, आएगी नहीं सॉरी ट्वेंटी एट स्टेट्स है थ्री ऐसे स्टेट है जो यूटी कम स्टेट है और फाइव यूटी है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा टोटल थर्टी सिक्स स्टेट्स और यूटी है इतना याद रखना थर्टी सिक्स स्टेट और यूटी है तो ये थर्टी सिक्स स्टेट और यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट ये मिलकर जीएसटी लॉ बना रहे हैं, साथ में मिलकर जीएसटी टैक्स लगाए गए तो इनमें जहां तक देखा जाए कोऑर्डिनेशन कैसा होगा क्योंकि इतने स्टेट्स हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट हर स्टेट्स की यूटी की अलग गवर्नमेंट सेंटर में बीजेपी है दिल्ली स्टेट में आप है तो इन सब का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा तो एक काउंसिल बनाया गया जो प्रेसिडेंट ने बनाया सुनना एक काउंसिल बनाया गया जो प्रेसिडेंट ने बनाया गया और ये जो जीएसटी काउंसिल बनाया गया जो प्रेसिडेंट ने बनाया जिसको परिषद कहा जाता है प्रेसिडेंट ने सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर जैसा आप समझना आप स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हो अपने स्टेट में बैठे हो तो आप कोई महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर समझो कोई यहां पे एमपी का यूपी का गुजरात का राजस्थान का जो स्टेट्स में आप बैठे हो उस स्टेट्स के आप अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर समझना और सेंट्रल का फाइनेंस मिनिस्टर इन सब की एक कमेटी बनेगी इनको कहा जाएगा जीएसटी जीए काउंसिल और जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा कि जीएसटी लॉ में जीएसटी लॉ कैसे होगा क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए क्यों क्योंकि जो भी चेंजेस है सेंटर और स्टेट साथ में करेगा क्योंकि दोनों मिलकर जीएसटी लॉ चलाना है दोनों मिलकर जीएसटी लॉ चलाना है तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा तो यहां पे एक काउंसिल बनाया गया जिसका नाम था जीएसटी काउंसिल तो जीएसटी की अमेंडमेंट ये जीएसटी काउंसिल के बेस पर है कोई भी चीज चेंज करना रहा तो पूरी पावर सेंट्रल के पास भी नहीं और स्टेट के पास भी नहीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है जिसके चेयरपर्सन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर होते जैसे यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस में बीजेपी गवर्नमेंट में निर्मला दीदी होगी या बाद में कोई इलेक्शन होंगे बाद में ओके okay, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इनमें डिस्कशन होता है और फिर जीएसटी लॉ के चेंजेस फाइनल होते हैं तो जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है फिर जीएसटी लॉ चेंज होता है तो रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी इनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है नाउ आर्टिकल 279 ए 5 जो है स्पेशल आर्टिकल लाया गया और यह आर्टिकल में कहा गया कि पांच ऐसे गुड्स हो गए जिसका जीएसटी लॉ जीएसटी का कानून तब से लागू होगा जब से जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तब तक इन पांच गुड्स को जीएसटी का कानून अप्लीकेबल नहीं होगा लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा नाउ कौन से ऐसे पांच गुड्स है जिसको आज भी जीएसटी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है चलो ये लिस्ट पढ़ते पहला पेट्रोलियम क्रूड दूसरा हाई स्पीड डीजल जिसको हम सिंपल वर्ड में डीजल कहेंगे मोटर स्पिरिट जिसको सिंपल वर्ड में पेट्रोल कहेंगे फिर नेचुरल गैस एंड नेचुरल गैस हा बायोगैस नहीं बायोगैस को जीएसटी इंडिया के सारे गुड्स को जीएसटी लॉ लागू हो जाएगा एक्सेप्ट दिस फाइव एक्सेप्ट दिस फाइव सर ये तो फाइव का थ्री दिख रहे हैं। भाई पेट्रोलियम क्रूड डीजेल मोटर स्पिरिड जिसे हम पेट्रोल कहते हैं फिर नेचुरल गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस पे जीएसटी है कौन सा गैस बोला है नेचुरल गैस और यहां पे एविएशन टरबाइन फ्यूल ये स्पेशल फ्यूल होता है और ये स्पेशल फ्यूल होता है हमारे एयरक्राफ्ट का तो ये पांच ऐसे गुड्स है जिस पे जीएसटी उस दिन से लागू होगा जीएसटी कानून उस दिन से लागू होगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा नाउ पहला सवाल सर क्या हम ऐसा समझे कि इन पांच गुड्स पे ओके okay, कोई टैक्स नहीं आता है ना 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 ऐसा मत समझो न्याय ऐसा मत समझो इन पांच गुड्स पे टैक्स आता है जीएसटी लागू नहीं हुआ है तो सर इन पांच गुड्स पे कौन से टैक्सेस आते हैं जो जीएसटी के पहले वाले टैक्सेस है अब जीएसटी के पहले वाले टैक्सेस कौन से थे तो मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता था सुनो मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता था सेल पे वैट लगता था इंटरस्टेट पे सीएसटी लगता था तो जो पुराने टैक्सेस है जिसके बारे में आपको जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है हमारे एग्जाम के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है और फिर से कह दू हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच में है इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट एग्जाम टारगेट होना चाहिए फोर्टी प्लस और चीज हमारे इस बैच में राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोर्स होना चाहिए जिसको पूरी हिस्ट्री समझनी है बैकग्राउंड समझना है तो भाई वो रेगुलर बैच ले ओके रेगुलर बैच ले मैं कन्वर्ट कर दूंगा आपको ठीक है तो जहाँ तक देखा जाए तो ये जो है पांच गुड्स जो है पांच गुड्स पे टैक्सेस आएंगे पर कौन से टैक्सेस आएंगे तो इसके ऊपर जो ओल्ड टैक्सेस है ये कंबाइन करके लग, लिख सकते हो कि दीज गुड्स दीज गुड्स आर सब्जेक्ट टू आर सब्जेक्ट टू ओल्ड टैक्सेस क्योंकि जीएसटी लागू नहीं होगा जी, दिस गुड्स आर सब्जेक्ट टू ओल्ड टैक्सेस और कौन से ओल्ड टैक्सेस तो ये गुड्स को यहां इज एक्साइज वैट और सीएसटी सर व्हाट डू मीन बाय सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स वो पुराना टैक्स था एक सीएसटी ये गुड्स ये टैक्स आज भी लगेंगे तो एक सिंपल सवाल है वेदर whether excise vat ya cst completely omitted क्या ये लॉ ये टैक्सेस सारे खत्म कर दिए नहीं कुछ गुड्स पे आज भी वो लागू होते हैं तो पेट्रोल पे डीजल पे पेट्रोलियम क्रूड पे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोलियम क्रूड एंड पेट्रोल पेट्रोलियम क्रूड मतलब रॉ पेट्रोल और फिनिश पेट्रोल एंड ए मोटर स्पिरिट इन गुड्स पे आज जीएसटी नहीं लगता है इन गुड्स पे जो लगता है वो है यहां पे ओल्ड टैक्सेस एक्साइज वैट और सीएसटी ओके जी ऑन दिस विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम सच डेट हाँ क्या सर इनपे जीएसटी कभी नहीं आएगा तो इनपे जीएसटी आएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा अब नो डाउट क्या है ये प्रोडक्ट पे टैक्सेस है और क्रेडिट भी नहीं है सेट भी नहीं है और गवर्नमेंट इस पे टैक्स लेना चाहती है गवर्नमेंट ऐसे गुड्स को डोमिनेट करना चाहती है अगर आज बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझे तो अगर पेट्रोल को जीएसटी में लाया तो उसमें सेट ऑप मिलते हैं सेटॉप क्या होते हैं क्रेडिट क्या होते हैं हम आगे देखेंगे तो उसमें सेट ऑप मिलते हैं बेटा सेट ऑप की वजह से प्राइजेस बहुत कम हो जाती है अगर लाया तो प्राइजेस बहुत कम हो जाती है इमेजिन करो पेट्रोल को अगर वो जीएसटी के स्कोप में लाते हैं तो जो एक सौ बारह रुपए का पेट्रोल आपको मिलता है सेट ऑप की वजह से, से टैक्सेस कम हो जाते हैं और आपको पेट्रोल पे सत्तर रुपए में मिलेगा साठ रुपए में मिलेगा क्योंकि जीएसटी में सेट ऑप मिलते हैं और गवर्नमेंट ये गुड्स जो है अभी इस पर ऑफ नहीं चाहती है कैस्केडिंग इफेक्ट चाहती है टैक्स ऑन टैक्स चाहती है कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स टैक्स ऑन टैक्स चाहती है और गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू प्रोडक्ट है और गवर्नमेंट पेट्रोल का कंजम्पन डोमिनेट करना चाहती है क्योंकि पेट्रोल हम इम्पोर्ट करते हैं इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट और जीएसटी काउंसिल के बहुत सारे स्टेट्स रेडी नहीं है कि इन प्रोडक्ट को यहाँ पे जीएसटी में लाया जाए राहुल गांधी ने भी कहा था कि भाई पेट्रोल को लाओ जीएसटी में सो दैट प्राइजेस कम होगी बिकॉज ऑफ सेट ऑफ लेकिन नहीं लाया गया और आज भी 2017 में जीएसटी आया और आज भी जहां तक देखा जाए तो ये पांच प्रोडक्ट्स जो है पहला पेट्रोलियम क्रूड दूसरा हाई स्पीड डीजेल तीसरा मोटर स्पिरिट चौथा नेचुरल गैस और पांचवा एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये आज भी गुड्स जो है जीएसटी में नहीं है जीएसटी कानून इसको अप्लीकेबल नहीं है ओके okay, इनको पुराने टैक्सेस ही लगते हैं इसलिए ये गुड्स को सुनना ये गुड्स को जीएसटी में एक नया वर्ड आ रहा है ये गुड्स को जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है जीएसटी का नॉन टैक्सेबल बाकी अदर टैक्स लगते हैं पर ये गुड्स को जीएसटी का नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है ओके okay, तो अब एक काम करो हमारी जो चार्ट बुक नहीं जो हमारा ओके okay, यहाँ पे सॉरी हाँ क्वेश्चन राइटिंग बुक है तो ओके क्वेश्चन राइटिंग बुक में लिखो एक्सप्लेन ओके okay, या फिर क्वेश्चन आप आ, आपके पास क्वेश्चनअर आ गया होगा तो अब ये क्वेश्चनअर को कैसे पढ़ना थोड़ा मैं ये क्वेश्चनअर को बता देता हूँ क्वेश्चन को कैसे पढ़ना अगर आपके पास क्वेश्चनअर होगा तो आ जाओ चैप्टर नंबर वन में आ जाओ चैप्टर नंबर वन में तो यहां पर यह क्वेश्चनअर पढ़ने का तरीका बता देता हूं सीसीपी मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले दो डिजिट सभी ने सुनना पहले दो डिजिट बताते चैप्टर नंबर ये कोड है जिसको मैं आगे बताऊंगा एच कोड कह जाता है अब सर ये एच क्या होता है बाद में देखेंगे पहले दो डिजिट्स जो होते हैं इससे समझ जाना कि चैप्टर वन चालू है तो आ जाओ आप क्वेश्चन एयर होगा तो चैप्टर वन में आ जाओ अगर आप चैप्टर वन में आ जाते हो सुनो चैप्टर वन में दूसरे दो डिजिट ये बजाते हैं कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट में क्लासीफाई किया है तो दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर टू अगर आप देखोगे तो टू कॉन्सेप्ट नंबर हमारा है और वो है वेरियस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कॉन्सेप्ट टू में ये क्वेश्चन लिया है और उसके बाद में हम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन ये क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बताता है ये तीसरे दो डिजिट क्या बताते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का कौन सा क्वेश्चन नंबर इसलिए जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट देखना है तो ये तीसरा क्वेश्चन नंबर सेवन अगर इसके आगे मैं कहूं आपको क्वेश्चन नंबर सेवन मतलब जीरो सेवन पहले दो डिजिट बताते हैं चैप्टर नंबर दूसरे दो डिजिट बताते हैं कॉन्सेप्ट नंबर और तीसरा क्वेश्चन नंबर और लास्ट डबल जीरो क्या है सर ये तो लास्ट का डबल जीरो अगर आप देखोगे तो ओके लास्ट का डबल जीरो है यहां पे कि जब मैं कोई नया क्वेश्चन बाद में ऐड करूंगा तो उसके लिए यूज किया एडिशन के लिए अब जब आप कोई डाउट पूछते हो और किसी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो ऐसे केस में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो आप सिर्फ ये कोड टाइप कर दो सीसीपी भी लिखने की जरूरत नहीं ये कोड टाइप कर दो मेरी टीम समझ जाएगी कि चैप्टर वन का कॉन्सेप्ट नंबर टू का क्वेश्चन नंबर सेवन उसके ऊपर आपको डाउट है ओके okay. तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ क्वेश्चन नंबर अब अगर आप क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हो तो एक सिंपल क्वेश्चन बुक में आते हो तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है और वो सिंपल क्वेश्चन जो है आपके स्टडी मैट में अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है अब मेरे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है और हम चैप्टर नंबर वन में जाएंगे अब ये चैप्टर वन में थोड़ा मैं आपको क्वेश्चन है समझा देता हूं ओके ये क्वेश्चन है मैं समझा देता हूं और ये क्वेश्चन है मैं जैसा ही चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी मैंने क्वेश्चन है यहां पर लिया है इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस लिए इसीलिए मेरे समझाने के बाद अगर आपने क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस कर ली ना तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा राइटिंग और रीडिंग प्रैक्टिस सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा तो भी हो जाएगा ओके okay, क्यों क्योंकि मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है टोटल अगर आप चैप्टर वन देखोगे तो मैंने ट्वेंटी टू क्वेश्चन लिए और हर कॉन्सेप्ट में मैंने क्वेश्चन लिए इसलिए रेगुलर बुक तो जैसे मैं रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूँ जैसे ही मेरा क्लास खत्म हो जाता है आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे करना सेकेंड रिविजन चार्ट्स मेरे चार्ट बुक के चार्ट और क्वेश्चन पे करना तो आपको ज़्यादा हेल्प होगा प्लस मैंने क्वेश्चन को डिवाइड भी किया है आई आई मटेरियल के क्वेश्चन एग्जामिनेशन क्वेश्चनस आर टी पी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा और ये जो मटेरियल के क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये जो आई आई का न्यू मटेरियल आया है वो न्यू मटेरियल के हिसाब से मैंने क्वेश्चन लिए हैं तो मेरा क्वेश्चन है टोटली totally डिफरेंट है जैसे कैन कम्पेर दिस क्वेशनर विस्ट बैच क्वेश्चन क्योंकि हमारी जो न्यूज स्कीम के हिसाब से नया मॉडल आया है वो क्वेश्चन मैंने कवर किए जो स्टूडेंट सी एम ए या सी एस कर रहे हैं तो उनके भी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन की डिजाइन की है एग्जामिनेशन क्वेश्चन आर टी पी क्वेश्चन भी मैंने किए हैं और यहाँ पे अदर क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन एयर के मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे ओके okay, ये मैंने पहले भी बताया और अभी भी मैं आपको बताने वाला हूँ नाउ साथ साथ में ओके इस क्वेश्चनर की जिनी बुक भी मैं अपडेट करूंगा ये जिनी बुक क्या होती है मैं बाद में बताऊंगा आपको ओके जिनी बुक क्या होती है ओके तो और मैं आपको लास्ट में कह दू कि आप मेरे पढ़ाने के बाद क्वेश्चनर ही पढ़ के एग्जाम में गए तो दैट सी नाथ साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस राइटिंग 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 और फाइटिंग विथ राइटिंग सुनिएगा फाइटिंग राइटिंग बस ये आपको गुरु मंत्र याद रखना है तो चलिए दोस्तों यहां पे आते हैं अगर आप क्वेश्चन नंबर सेवन आओगे ओके बाकी क्वेश्चंस हम देखेंगे पर क्वेश्चन नंबर सेवन पे आओगे तो क्वेश्चन नंबर और मैंने क्या किया कॉन्सेप्ट के साथ का क्वेश्चन तो ले लिया तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछा जो स्टडी मैट में दिया है डिस्कस द आर्टिकल 246A. Article 246A ए आर्टिकल ए आपको डिस्कस करना है विथ grant ऑफ पावर टू मेक a लॉ विथ रिस्पेक्ट ऑफ ओके गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक सिंपल क्वेश्चन थेरी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आउट ऑफ फिफ्टी मार्क्स सुनिएगा आउट ऑफ फिफ्टी मार्क्स जो है आपको थेरी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो आउट ऑफ फिफ्टी मार्क्स फिफ्टीन मार्क्स के एम सी क्यू क्वेश्चन आएंगे ओके okay, थोड़ा मैं स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करूंगा फिफ्टीन मार्क्स के एमसी क्यू क्वेश्चन आएंगे सेकेंड आपको जो है थर्टी फाइव में से पंद्रह दस से पंद्रह मार्क के ऐसे थे आएंगे और बीस से पच्चीस मार्क के आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ओके okay, हम यहाँ पे देखेंगे और आपको लास्ट में यही कह दूं कि मेरे पढ़ाने के बाद चार्ट बुक और ये जो मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन की दैट्स इनफ इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है ओके okay, बस मेरे साथ जीएसटी को एक बार अच्छे से समझ लो अब सवाल क्या पूछा है सवाल ये पूछा है डिस्कस द आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए विद्रांड द पावर टू मेक द लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिस्कस करो आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए अब आप क्वेश्चन को भी ध्यान से आपने पढ़ लिया तो इनफ है मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिया ओके okay, पहला पॉइंट कैसे कवर करेंगे तो थोड़ा आपके पास कुछ रफ पेजेस हो गए तो मैं आपको समझाता हूं आप तो okay, गए तो, तो पहले क्या करना हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दूंगा कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस और रीड करेंगे ठीक है तो अब यहां क्वेश्चंस आपको कैसे लिखना है कोई भी थेरी हो जीएसटी का हो या कोई भी और हम ये बहुत प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बहुत समझाऊंगा कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए और किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए जिसका एक नमूना आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ये तो हमारा पहला ही चैप्टर है ओके okay, सो so यहाँ पे अब देखो पहला जो है पहले क्या करना सडनली याद करने की कोशिश मत करना मेरे साथ इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे और फिर हम रफ में लिखेंगे देखो पहले पढ़ना आंसर हाँ पहले आंसर पढ़ना फिर फ्रेमवर्क बनाना और ये प्रैक्टिस आप मेरे साथ करोगे जैसा पहला एस पर आर्टिकल 246 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ ऑफ जीएसटी इंपोज्ड बाय यूनियन और बाय सच स्टेट हाँ अब आर्टिकल 246 ए जो आपने पढ़ा ओके okay, तो अब देखो आपको आर्टिकल 246 ये याद ए याद क्योंकि जहां से जीएसटी का जन्म हुआ अगर ये आर्टिकल 246 ए आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है और वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमको डेफिनेटली याद रह जाएगा आर्टिकल 246 ए ये कहता है और क्या कहता है तो अपने को समझाओ कि भाई पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ओके बोथ हैव अ पावर टू लेवी द जीएसटी ओके जीएसटी एस टी इम्पोज बाई यूनियन एंड स्टेट सिंपल वर्ड में ये लिखना है तो अब आप रफ में कैसे डिजाइन करोगे तो रफ में डिज़ाइन करोगे पहला पॉइंट मुझे क्या लिखना है चलो मेरे साथ रफ में डिज़ाइन करो लूज पेज रफ पेज या रफ डायरी कुछ होगी तो बोलो रफ में क्या डिज़ाइन करना है रफ में मुझे डिज़ाइन करना है और ऐसे हिंदी में लिखो ट्राई करो मेरे साथ हिंदी में लिखो कि आर्टिकल 246 में ऐसा रफ में पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर स्टेट ज्वाइंटली jointly लिखोगे लिखो, लिखो रफ में jointly levy gst jointly levy gst बस सिंपल ये याद रखना कि दोनों jointly gst लेवी करेंगे ये फ्रेमवर्क बना लो शब्दों के जंजाल में मत फंसो आपने अगर अटेम्प्ट दिया होगा तो आप शब्दों के जंजाल में फंस जाते हो आप सिंपल वे में सिंपल लैंग्वेज में jointly levy the gst दैट्स ऑल ओके इतना पॉइंट मेरा कवर होना चाहिए पहले इसमें ऐसे पॉइंट्स बनाओ दूसरा आप क्या उन्होंने क्या किया पार्लियामेंट हैजे एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी वेयर सप्लाई गुड्स और सर्विस इंटर स्टेट मतलब मुझे यह दिखना है कि ओके okay, ये आर्टिकल 246 पार्लियामेंट को पावर देता है किसको पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट पे इंटर स्टेट पे जीएसटी लगाए इंटर स्टेट पे जीएसटी लगाए ओके चलो ये पॉइंट फिक्स हो गया तो अब पहला पॉइंट क्या हुआ कि आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स एम्पावर्स ये वर्ड अब मुझे ओके कौन सा वर्ड आना ही चाहिए इस पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ज्वाइंटली विदी ऑन गुड्स और सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज दूसरा इट ऑल्सो एम्पावर पार्लियामेंट पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर इंटरस्टेट सप्लाई पार्लियामेंट को पावर दिया है ओके

ओके okay, आप पांच गुड्स मेरे साथ रफ में लिखो पांच गुड्स हो गए जहां जीएसटी जीएसटी शाल बी लेविड लेविड ओके okay, जब जीएसटी काउंसिल जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा चलो तो अब दिमाग में फ्रेमवर्क बन गया ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अब आपको लिखना आसान हो जाएगा अगर आप सिर्फ ये रीड कर रहे हो ना तो टाइम पे याद नहीं आता है बोलो

अब आप लिखोगे कैसे लिखोगे कैसे तो चलिए अब मैं लिखने का तरीका, तरीका बताता हूं ये क्वेश्चन को रेफर करके लिखने का तरीका, तरीका बताता हूं इसलिए इसलिए ये जो बैच है ना एमजेड मतलब मजा आ गया एमजेड <laughs> मतलब मजा आ गया ठीक है यहां पे चलो और आपको समझा होगा तो ये अच्छा लगा होगा तो लाइक दबाइएगा भाई देखो लाइक आने चाहिए लाइक लाइक दबाइएगा अब देखो इसको सिंपल वर्ड में पहले दिमाग में फिट करना ओके और मेरे साथ ये प्रैक्टिस आपको करनी है इसको सिंपल वर्ड में कैसे लिखे ओके यहाँ अच्छे से कैसे कवर किए करें तो सिंपल वर्ड में अब मैं आपको बताता हूं ओके कुछ अब मैंने बना लिया एम्पावर्स वर्ड ध्यान में होना चाहिए ज्वाइंटली लॉ बना सकते हैं ज्वाइंटली लॉ बना सकते हैं ऑन गुड्स और सर्विसेज ऑन जीएसटी ओके ज्वाइंटली लॉ बना सकते हैं दूसरा पार्लियामेंट और तीसरा कुछ गुड्स जो है जीएसटी में नहीं आएंगे अब इसको लिख कर कैसे देखना है और ये ये प्रैक्टिस आपको करना है आपको एज इट इज लर्न नहीं करना है ठीक है चलिए अब आ जाओ जहाँ हम जो क्वेश्चन एयर का आपके पास नोटबुक है जो क्वेश्चन एयर का नोटबुक है उसमें आ जाओ क्वेश्चन एयर के नोटबुक में जब आप आओगे तो पहले टाइटल दो चैप्टर वन टाइटल दो चैप्टर वन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी दिया आपने टाइटल चैप्टर वन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी दिया अब इसमें क्या करना इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन एयर का ये पेज नंबर डाल दो क्वेश्चन नंबर सेवन पेज नंबर दिस ओके क्वेश्चन नंबर सेवन पेज नंबर दिस ठीक है अब इसका हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे किस कैसे सिंपल वर्ड में लिखा जाता है ओके तो चलो लिखो पहला पॉइंट लिखो यहां पे और पूरा ध्यान देना और अभी मेरे साथ लर्न होना चाहिए और ये मैं लिखवा रहा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं आपसे लिखवा रहा हूँ लिखो पहला कैसे लिखना आर्टिकल 246 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखो 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 मैं जैसा सिंपल वर्ड में लिखवा रहा हूं आर्टिकल टू ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स ये मुझे वर्ड चाहिए एम्पावर्स अच्छा हमने क्या बनाया था एम्पावर्स किस को पार्लियमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट पार्लियमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट jointly make the laws, jointly make the laws, for levy of GST, for levy of GST. बस खत्म, एक सिंपल लाइन में, that's all, बस खत्म, jointly levy GST, जो साथ में GST लगाएँगे। ठीक है जॉइंटली सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट लिखो पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू टू मेक द लॉ टू मेक द लॉ फॉर लेवी ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई और लेवी ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, लेवी ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, सप्लाय इसके बाद में हमने क्या पॉइंट डिजाइन किया था इसके बाद में हमने डिजाइन किया था ये प्रैक्टिस इतनी फॉलो करना है बॉस हर सब्जेक्ट में फॉलो करना देखना कैसा रिजल्ट आता है आपका ओके okay, इसके बाद में हमने क्या डिसाइड किया था कि कुछ ऐसे गुड्स है जिस पर जीएसटी कब से आएगा वो हमको ये नहीं लिखना है डिस्कशन डाइवर्ट नहीं करना है ओके okay, हमको ये नहीं लिखना है कि फाइव गुड्स पे टैक्सेस लगते हैं एक्साइज लगता है वो नहीं लिखना हमें ये लिखना है कि फाइव गुड्स पे जीएसटी उस दिन से आएगा ये भी नहीं लिखना है कि इन पे जीएसटी लगता नहीं है हमें ये लिखना है कि फाइव गुड्स पे जीएसटी उस दिन से आएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तो लिखो यहां पे इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ पेट्रोलियम क्रूड हाँ पूरा लिखना पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजेल लर्न करो पेट्रोलियम क्रूड दूसरा हाई स्पीड डीजेल हाई स्पीड डीजेल तीसरा मोटर स्पिरिट ब्रैकेट में पेट्रोल मोटर स्पिरिट ब्रैकेट में पेट्रोल पेट्रोल नेक्स्ट नेचुरल गैस पूरा लिखना नेचुरल गैस नेक्स्ट एविएशन टर्बाइन फ्यूल नेक्स्ट एविएशन टर्बाइन फ्यूल एविएशन टर्बाइन फ्यूल ब्रैकेट में ए टी एफ इसको शॉर्ट में ए टी एफ बोलेंगे इसको शॉर्ट में ए टी एफ बोलेंगे एविएशन टर्बाइन फ्यूल इसको शॉर्ट में एटीएफ बोलेंगे हाँ क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे लिखो जीएसटी लॉ शाल बी एप्लीकेबल जीएसटी लॉ शैल बी अप्लीकेबल फ्रॉम द डेट फ्रॉम द डेट From the date to be notified to be notified by the government notify government, from the date to be notified by government, on recommendation of GST Council, on recommendation of GST Council. और अब रेड रेड पेन लेना और रेड पेन से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेड पेन से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फोर्थ पॉइंट लिखो जो मैं आपको लिखवा रहा हूं फोर्थ पॉइंट लिखो जो आपको लिखवा रहा हूं और लिखो यहां पे सप्लाई ऑफ दीज गुड्स लिखो सप्लाई ऑफ दीज गुड्स सप्लाई ऑफ दीज गुड्स आर कॉल्ड एज Supply of these goods are called as non taxable supply. Underline karna. Supply of these goods are called as non taxable supply in GST. Non taxable supply in GST. सप्लाई ऑफ दीज गु आर कॉल्ड एज नॉन टैक्सेबल सप्लाई इन जीएसटीएसटी में इसके आगे, जब भी मैं ये supply, तो का मतलब यह होगा मतलब कि यहां पर पांच आइटम्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब आइटम्स इसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला जाएगा ठीक है तो ये समझा क्या बेटा आप सभी को अगर ये समझा होगा तो फटाफट यस टाइप करो ठीक है ये पहले अब ठीक है नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो ये आपने प्रैक्टिस किया मेरे साथ एक क्वेश्चन आप जो लिखोगे घर पे आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर थर्टीन होमवर्क लिख लो क्वेश्चन नंबर थर्टीन वो आपके लिए होमवर्क रहेगा और क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन और क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन लिख लो आपके लिए होमवर्क रहेगा थर्टीन और फिफ्टीन सर थर्टीन क्या है आप पढ़ोगे आपके लिए होमवर्क रहेगा और फिफ्टीन डन वेरी गुड वेरी गुड ट्राई करो घर पे मैं आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के हिसाब से सब लिखवा के लूंगा आपसे प्रेजेंटेशन का तरीका होगा यही ये, बै, ये बैच का खास बात है और यस yes, हमें फोर्टी प्लस जाना है आर यू रेडी थर्टीन और फिफ्टीन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है ठीक है चलो सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है ठीक है लिख के देखना है पूरा लिख के देखना है मेरे साथ ठीक है बेटा मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ तो किया है आपके लॉगिन में प्रोवाइड किया हुआ है मैंने पीडीएफ आपके लॉगिन में प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ चलो अब आप रेगुलर मैट में आ जाओ रेगुलर मैट में आ जाओ ठीक है एमसीक्यू आपको आपके लॉगिन में दिए जाएंगे एमसीक्यू आपको आपके लॉगिन में दिए जाएंगे आर्टिकल 269 ए ये आर्टिकल पे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछेंगे कि पिन प्रायोरिटी बी इस पे क्वेश्चन है तो जस्ट रीड कर लेना जस्ट वो क्वेश्चन रीड कर लेना जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं सारे मैं लिखवा के लूंगा आपसे मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ होमवर्क के साथ ठीक है गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स ऑन सप्लाइज अब आर्टिकल टू ए क्या कहता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाइज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड अंडरलाइन वर्ड इंटरस्टेट ट्रेड क्वेश्चन में दिए ना बेटा ये आपको जो क्वेश्चन मिला होगा या इसकी पीडीएफ होगी इसमें क्वेश्चन नंबर थर्टीन और फिफ्टीन दिया हुआ है आप प्लीज वो एक बार देखिएगा आप प्लीज वो एक बार देखिएगा ठीक है क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड किया आपके लॉगिन में और आपको फिजिकल बुक मिली होगी तो क्वेश्चन में है तो देखो बेटा आर्टिकल 269 ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाइज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब मामला इंटरस्टेट का होगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट तो जब मामला इंटर स्टेट का होगा तो उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का पावर यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होगा Law बनाने का पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होगा ठीक है recommendation of council. मैंने अभी एक आते आते एक डायग्राम आपसे बनवाई थी इंटरस्टेट होगा वो डायग्राम याद करो इंटरस्टेट होगा तो क्या लगेगा बेटा आईजीएसटी लगेगा और इंटरस्टेट में जो आपके ऊपर आईजीएसटी लगेगा सुनिए इंटर स्टेट में जो आपके ऊपर आईजीएसटी लगेगा तो वो जो आईजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और फिर वो अपोर्शन करेगी स्टेट के साथ 50 परसेंट स्टेट के साथ अपोर्शन करेगी कौन से स्टेट को देगी बताओ 50 परसेंट कौन से स्टेट को देगी सेलर स्टेट को देगी या बायर स्टेट को देगी बताओ यहाँ पे कौन से स्टेट को देगी बेटा सेलर या बायर स्टेट को देगी करेक्ट करेक्ट करेक, बायो स्टेट को देगी यही ये, ये लिखा है आर्टिकल टू स्टेट को देगी वो अपोर्शन होगा यस yes, बेटा जो तीसरे तीसरे दो डिजिट है वो क्वेश्चन नंबर हो गए मैंने बताया ना क्वेश्चन नंबर थर्टीन फिफ्टीन मतलब तीसरे दो डिजिट ये ये वाले दो डिजिट जो होते ना वो क्वेश्चन नंबर होते हैं तीसरे दो डिजिट्स ठीक है पहला चैप्टर फिर कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चन नंबर होता है करेक्ट तो बायो स्टेट को जाएगा अब नीचे देखो एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस कोर्स ऑफ इंपोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी टू बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन माना जाएगा इंपोर्ट ट्रांजेक्शन भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। जाएगा एंड अमाउंट अपोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल में कुछ पढ़ा नहीं है मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछेंगे क्योंकि अपोर्शन करेगी स्टेट के साथ अगर इम्पोर्ट होता है तो इम्पोर्ट को भी इंटर स्टेट बोला जाएगा तो यहां पे हमने ये डिस्कशन देखा तो चलिए दोस्तों आज हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हम लेक्चर वन में थे थोड़ा स्लो भी हो सकते हैं पर धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ेगी स्पीड ऐसी ही रहेगी जैसा आपको अच्छे से समझे डोंट वरी जो स्टूडेंट पहली बार जी पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को ये बात ध्यान रखना है कि जो मैंने आज पढ़ाया वो घर पे पढ़ना है और नेक्स्ट डे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिवाइज़ करेंगे तो उनका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है जिन्होंने जीएसटी पढ़ा हुआ है उनको डेफिनेटली बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा हमारी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी डोंट वरी जितना मैंने कमिटेड आवर्स है आवर्स यहाँ टोटल सेवेंटी फाइव टू एटी आवर्स है राइटिंग प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कशन के साथ उसमें हमारा हो जाएगा अराउंड हमें ओके ट्वेंटी फाइव लेक्चर्स के आसपास लगेंगे और इसमें मैं कुछ लेक्चर्स लाइव स्ट्रीमिंग में लेने वाला हूँ कुछ लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड देने वाला हूँ तो सभी को ध्यान में रखते हुए हमारा ट्वेंटी एथ को ख़त्म हो जाएगा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है वन टाइप कीजिएगा यही स्पीड हमारी रहेगी हाँ कुछ स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे उनको मेरे साथ बार बार पढ़ना पड़ेगा तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँ कि अच्छे से हो जाएगा और मेरे बात उनको जो है यहाँ पे उनको मेरे बात जो है उनको यहाँ पे जस्ट आधी घंटा घर पे पढ़ना है और जो मैं होमवर्क देता हूँ मेरे साथ कर लो इस क्वेश्चंस में एग्जाम में आने के जो आपके एग्जाम में आएंगे वो तो सारे क्वेश्चन हम राइटिंग प्रैक्टिस में लेंगे और मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सिलेक्ट करके रखे हैं ओके कि कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम है? okay, में हैं और दोस्तों ओके जब एग्जाम में आए तो मुझे याद जरूर करना मुझे याद जरूर करना डेफिनेटली जो है आपको यहाँ पे याद आ जाएगा चलो नवंबर वालों के लिए फेब में क्लास स्टार्ट होगी बेटा सारी क्लासेस जिसमें जिसका वीडियो आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है एम आपके लॉगिन में पी कॉपी दी जाएगी और मैं आपका कहूँ क्या एम का आप मेरे साथ अगर सुनिए आज अगर मेरे साथ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो एम आपका वैसे ही हो जाएगा होगा होगा अपलोड होगा बेटा एम अपलोड हो जाएगा थोड़ा थोड़ा टाइम दो लॉग में अपलोड हो जाएगा पी डी की थोड़ा एक दो दिन मुझे टाइम दो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी ठीक है और आपकी बुक्स भी आपको मिल जाएगी तो आज यहीं रोकते हैं संडे को क्लास होगा बिल्कुल होगा एक्सपोर्ट के केस में जो जो स्टेट से एक्सपोर्ट हुआ वो स्टेट को मिलेगा रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों भी ट्वेंटी एथ तक हमारे क्लासेस हो जाएंगे आपका टेबल में बना के दूंगा ओके संडे को भी लेक्चर रहेगा अभी जो लेक्चर होगा कल मॉर्निंग तक आपको 11 बजे तक वो लेक्चर मिल जाएगा कल मॉर्निंग में अब कल का सेशन हमारा सुनिए अब इसके आगे शेड्यूल क्या रहेगा ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है बेटा ये पेड बैच है फास्ट ट्रैक और आर आर बैच तो वो तो यूट्यूब पे आती है और फ्री आती है ये yes, बेटा बैकअप दूसरे दिन तक अपलोड हो जाएंगे सारे बैकअप दूसरे दिन तक अपलोड हो जाएगी चलिए तो अब जिसको भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे होंगे आप कनेक्टेड रहिएगा आप कनेक्टेड रहिएगा और आपके ऑर्डर आईडी और प्रिफरेबल टाइम टाइप कीजिएगा मेरी टीम कनेक्ट होके लिख लेगी सब नहीं अब आगे का शेड्यूल कैसे रहेगा मैं बता दूँ कल का सेशन साढ़े छह बजे रहेगा तीन घंटे रहेगा और परसों से हमारे सेशन मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाएंगे परसों से हमारे सेशन मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाएंगे टाइमिंग जो रहेगा मॉर्निंग में ओके हमारा नॉर्मल टाइमिंग साढ़े आठ बजे रहेगा पर कभी अर्ली रहा तो मैं आपको ओके okay, बता दूंगा कल का लास्ट लेक्चर रहेगा जो डेमो लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा परसों से हमारा लेक्चर ऐप पर रहेगा और वो इमीडिएट आपको दोपहर तक बैकअप अपलोड कर दिया जाएगा नहीं नहीं आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी परचेस करते हो डबल वन सेवन फाइव लिख लिया बेटा डबल वन डबल वन सेवन फाइव लिख लिया मैंने ओके okay, यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी आप क्यों दे रहे हो क्या रीजन है टू फाइव एट टू सिक्स फोर हो गया चलो पहले तो सेशन खत्म कर देते हैं यहां पे सेशन हमारा एंड हो गया ठीक है इंपोर्ट के केस में बेटा इंपोर्टर जो स्टेट का है उस स्टेट को फिफ्टी परसेंट मिलेगा आईजीएसटी का नहीं नहीं आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी परचेस करते हो तो लाइव आपको जो भी लेक्चर में लाइव होगा वो आपको एडिशनल फैसिलिटी आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो चलो तो आप अपना ऑर्डर आईडी डाल दो यहां रुकते हैं आज का सेशन कल साढ़े छह बजे यूट्यूब पे थर्ड डेमो लेक्चर रहेगा लेक्चर रहेगा यूट्यूब पे बेटा एक्टिवेशन कोड कहा ना मैंने आपको आपके लॉगिन में ट्राई तो करो आप प्रतीक आपका क्वेश्चन क्या है वो बताओ एक कम्बो तो है ना बेटा अरे ज्योति हो गई ना कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो तो भी लाइव लेक्चर सपोर्टिंग है वो आप लाइव कर सकते हो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर वैसा ही रहेगा आपके लॉगिन में लाइव एक्टिवेशन की है बेटा नहीं होगा तो आप ऑर्डर आई दो कल क्लियर हो जाएगा टू फाइव एट टू सिक्स फोर हो गया चलो ठीक है यहाँ रुकते हैं बेटा यहाँ रुकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ऑर्डर आईडी और प्रेफरेबल टाइम डाल दो आपके कोई भी क्वेश्चंस होगे तो आपका ऑर्डर आईडी और प्रेफरेबल टाइम डाल दो कल से मैं ऐप में भी कनेक्टेड रहूंगा और आपके ऐप आप के क्वेश्चंस भी देखूँगा ठीक है ठीक है यहाँ चलो डन बाय अगर आज का सेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच